कृष्णाग्न प्रकाश श्रीमूर्तये दीनदानं क्षमागुणावताराय गुरवे प्रभवे नमः स्वाधीत प्रीति सद्धर्मा गुरु प्रीति बदरे ईशो ज्ञान प्रभावस्य प्रकाश काय ते नमः श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामने शिवाशवान देवी दयिताय कृपाभये कृष्ण संबंध विज्ञान दायने प्रभवे नमः माधुर जल प्रेमाट शिवपार्व भक्ति गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनदारिणे रूपानुभवेह सिद्धांत महत्वहारिणे नमो गौर किशोराय नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने स्वरूपाय रूपानुभवराय गौर विभागेशय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय नमः वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य Krishna Namah Gaurav Re 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 Re
निरंतर नाम गावो
Thank you.
वैष्णव शरण पेज नंबर 27 वृंदावन वासी जैसे वैष्णव जी बोल प्रभु बोल इसी चलिए कोई बात वृंदावन वासी जात वैष्णवीरो Yeah.
वैष्णव वंदना हमारा करते हैं, कभी कभी से रोज पढ़ते हैं। सभी वैष्णवों को नित प्रति रोज प्रणाम कर, सब प्रकार के वैष्णव वृंदावन वासी, नैला जल वासी, नवद्वीप वासी, सब धामों के वासी, जे देश गौरांगे रे गौर, कहां कहीं कहीं भी रहते हैं, कहां भी रहे कौन गौरांगे रे गौर। श्री कृष्ण भक्ति की तो बात नहीं, क्यों गौरांगे रे गण कहा गया भैया चिन्ह हो गए ना प्रभु जत दास, कौन प्रभु भगवान श्री चैतन्य कहा प्रभु कि भगवान श्री कृष्ण चैतन्य आपके लिए ये रस भगवान श्री कृष्ण नहीं ले गए, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ले गए। जहां कहीं भी महाप्रभु के भक्त रहते हैं उनको प्रणाम, भैया चिन्ह हो गए जो होंगे और जो हो चुके हैं प्रभु जत दास, भैया चिन्ह हो गए प्रभु जत दास सवार चरण बंधु दत्ते गिरी घास, जो हो चुके हैं प्रीवियसली महाप्रभु के भक्त जिनके हम दर्शन नहीं कर पाए, जिनसे सुन नहीं पाए, उन सबको प्रणाम, और जो होंगे। मैं एक बार महाराज जी के साथ ऐसे निकल रहा था यहाँ से, मेरे पास सेंट्रो गाड़ी थी, यहाँ पे महाराज जी को लेके जाना था, शायद डॉक्टर के जाना था, कहाँ जाना वही याद नहीं मुझे, पर ये बात याद है हमारे बिल्कुल भक्ति विज्ञान भारती स्वामी महाराज, उनको मैंने बोला भोले भाव रत्न जो नया नया बच्चा वो माँ के बिना रह नहीं सकता, उसे लगता कि जीवन ही नहीं है माँ के अलावा। तो जब महाराज जी का संग बना तो महाराज जी को मैंने बोला अज्ञानतावश या ज्ञान के जान के जैसे भी मैं इसको जस्टिफाई नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ शब्द नहीं है, तो मैं महाराज जी को बोला महाराज जी आपके बिना कैसे रहेंगे, आप तो चले जाते हैं, आते हैं थोड़े दिन रहते हैं फिर चले जाते हैं, आपके बिना कैसे रहेंगे। और मन में ऐसा विचार आता है कि एक दिन तो आप चले जाएंगे, अब देखो वैष्णव के साथ बात करने के लिए वैष्णव एटिकेट भी तो होना चाहिए, वैष्णव की तरह भी बात करनी तो आनी चाहिए, बट हम लोग तो नए थे ज्यादा बोलते नहीं थे, इतना पता भी नहीं था। मैं तो महाराज जी आप तो वृद्ध हैं, एक दिन आप चले जाएंगे। मुझे याद है महाराज जी ने कभी बोला था, मुझे ये गीत भी याद नहीं थी, तब मैं यहाँ 20 सेक्टर में रहता था, 20 सेक्टर महाराज जी ने शब्द बोले थे। तो क्या है और आएंगे, भैया छे भई बेन भई बेन और भी आएंगे, महाराज बोले और आएंगे, ये तब बोला था भैया छे भई बेन प्रभु जत दास, जो आगे भी होंगे इनके दास कृष्ण दास। कृष्ण रसा स्वादन करते हैं परंतु कृष्ण जो सब चीज में पूर्ण है, भगवान तो पूर्ण वस्तु है, सिद्धांत की बात नहीं मैं कर रहा, भाव राज्य में जो कृष्ण सब जगह पूर्ण है वो एक जगह अपूर्ण रह गए, जिसका सारी पृथ्वी समस्त जन जो भगवान के शरणागत होते हैं, भगवान भी उनसे उत्तर इसी तरह का व्यवहार करते हैं, ये यथा माम प्रबंधते ताम तथैव भजाम्यहम्, जो मेरे जितना शरणागत होगा जितना भजन करेगा मैं भी उसका उतना उसी हिसाब उसी टाउस में उसी कैपेसिटी में उतने ही पैरामीटर में उतने अमाउंट में उतनी क्वांटिटी में ही मैं उसके साथ रेसिप्रोकेट करूंगा। पर श्री कृष्ण गोपियों के आगे नहीं कर नहीं पाए कर पाए,
श्री कृष्ण गोपियों के आगे ये कर पाए कि जो मेरा जितना भजन करेगा मैं उतना ही भजन करूंगा। उस गोपी प्रेम के आगे तो श्री कृष्ण हार गए, बोलते ना पा रहे हम निर्बद्ध सज्ज जान, ना पा रहे हम, इट इज बियॉन्ड मी द लव ऑफ गोपीज फॉर मी, व्हाट दे हैव लेफ्ट देयर हस्बैंड्स, लोक धर्म छोड़ दिया, वेद धर्म छोड़ दिया, देह धर्म छोड़ दिया, खाने की सुनबंध नहीं, पीने की सुनबंध नहीं, किसी चीज की सुनबंध नहीं, लोक धर्म छोड़ दिया, संसार वाले क्या कहेंगे, एक बेहतर स्त्री रात को कहां जाती, अपने पति अपने पुत्र अपनी सास छोड़ दी, श्री कृष्ण से I don't have the capacity to repay your debt, है ना? किसी से आप 10,000 रुपए उधार लो और आपके पास वापस करने को ना हो, 1,00,000 रुपया मान लो, 1,00,000 रुपया उधार लो, आपके पास वापस करने का ना हो, तो आप बड़े अभिमान से घूम सकते हैं कि उनका सर नीचे हो जाता हमारे श्री कृष्ण ऐसे हैं, ये भावरत जी की बात है। तो ये कौन से भक्त हैं, हमारे पास से कौन है, ठीक है, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण मिलित तनु वो रस वो प्रेम वो हमें कौन देंगे, महाप्रभु। ये धारा, ये जो परंपरा है, इसमें ये धर, ये जो एसेट है, ये लव है, ये डिवाइन लव है, ये एग्जिस्ट करती है। बाहरी रूप से गुरुजी कभी देखे नहीं कि कोई गोपी वस्त्र डाले, देखा आपने कभी, लाल चुनरी, मांग में सिंदूर, कान में बाली, पांव में घुंघरू, नूपुर, देखा गुरुजी कभी ऐसा नहीं देखा। ध्यान से इस परंपरा को स्टडी करना एनालिटिकली एंड देन वी हैव टू अडॉप्ट। गोपी भाव, गोपी स्वरूप इतना सहज नहीं है, सहजीय भाव बहुत सहज है। मैं शाम की शाम, मेरे मैं तो पतवाली, मेरी मटकी में मार गया डेला, मेरा शाम बड़ा अलबेला, ये तो बिकता है आजकल, दिस सेल्स लाइक हॉट केक्स है। प्रणेर जातना जनबी की कोमा, जनबो की कोमा होइए चे जीवन यंत्रणाम। क्या है अभी शक्तिहीन, बोलो गा के बोलो, श्री कृष्ण भजिते नाहि चाहे मति विषय भोगेते। आगे श्री कृष्ण दास्य बोली माया रे भजिनु आपन सब, तव कृपा का नाम हमारा संबंध, तव कृपा का नाम। और कनक कामिनी लाभ पूजा आशा, शक्ति बुद्धि ही ना आमी अपनी दीन कृपा बिंदु दी। क्या बोलते गुरु जी, तबे है ना गुरुदेव जी, क्या प्रार्थना, शक्ति बुद्धि आमी अपनी दीन कर्मोरे आत्मा साथ। ये भक्ति की प्रार्थना, भक्ति किस तरह की प्रार्थना है, नाही मम बल ज्ञान सुनिर्मल स्वाधीन नहीं आया, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो विषय दुर्जन सदा कामर किचु नहीं मोर गुण। ये भक्ति प्रार्थना है,
भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की धारणीय प्रार्थना होती है, और दूसरी जगह क्या होती है, तेरी मटकी में मार गया ढीला मेरा श्याम बड़ा मेरा, जब से मेरा मन लागा तुम्हारे साथ सावरिया तुम मेरे मैं तुम्हारा, मैं तो दुनिया का हो भूल गया सब कुछ भूल गया। ये भक्ति की प्रार्थना होती है, महाप्रभु की धारा में भक्ति की क्या प्रार्थना होती है, ये भक्त आचरण करके शिक्षा देते हैं। तो जो इस धारा में एक्चुअली सेल्फ रियलाइज्ड सोल्स हैं, उनको पहचानना है, उनके गुणों को देखना है, उनका संग करना है, उनके संग के से धीरे धीरे ये गुण हम में भी आ जाएगा। प्रेमेरे स्वभाव ही प्रेमेरे संबंध सही माने कृष्ण मोरे नहीं प्रेम गंध। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं तुम्हारा कर्जदार हूं, मैं इंडेटेड हूं आप में। और गोपी क्या बोलती हैं, कृष्ण मोरे नहीं प्रेम गंध। गुरुदेव क्या मानते हैं, हमारी परंपरा में क्या मानते हैं, ये बोलने के लिए नहीं बोला जाता, ये मानते हैं कृष्ण मोरे नहीं प्रेम गंध। कृष्ण के प्रति मेरा लेश मात्र भी प्रेम उत्पन्न नहीं होगा। तो ये प्रार्थनाएं बड़ी पोटेंट है, इन प्रार्थनाओं की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। ये दैनिक प्रार्थना है, वृंदावन वासी जो तो वैष्णवेरो गुण, ये रोज करनी है हम सभी ने, ठीक है, रोज होती है मठ में, हम लोग तो सुबह करते हैं मठ में तो की जाती है, हम लोग घर में रहें तो घर में भी कर सकते हैं, कार चला रहे हैं कार में कर सकते हैं, ठीक है, सब कुछ हो सकता है कंफर्टेबली फॉलो। तो इन जो हमारी जो पोटेंसी है ना, जो हमारी परंपरा में एसेट है, उसको धीरे 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 प्राप्त करना है, उसको चेष्टा करनी है। सारा रोड मैप तैयार है, बस उस रोड मैप पे चलना है। चलना भी क्या है, खुद थोड़ा चलना है, फॉलो करना है, फॉलोइंग दिस फुटस्टेप्स, राइट। तो आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ हरि कथा। हम लोग बहुत सी सेवाएं करते हैं मठ में, साधु के साथ भी रहते हैं, अनेकों अनेक प्रकार की सेवाएं हैं हम करते हैं, हरि कथा भी सुनते हैं, नहीं सुनते तो सुननी चाहिए, क्यों सुननी चाहिए ये आज का विषय है। हरि कथा सुनना क्या इम्पोर्टेंट है, गुरुजी ने नाम दे दिया, हरि नाम करेंगे ना, हरि नाम से तो सब कुछ होता है, पॉसिबल है कि नहीं है, हरि नाम से सब कुछ पॉसिबल है, फिर कथा सुनने की क्या जरूरत है, जब हरि नाम सब कुछ कर सकते हैं। ये सिद्धांत हम लोग सीखते हैं, आज ये समझने की कोशिश करेंगे, व्हाई इज हरि कथा इंपॉर्टेंट, व्हाई इज हियरिंग हरि कथा इंपॉर्टेंट, हरि कथा श्रवण करना क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है। हरि कथा सुनेंगे हरि नाम करेंगे, ये पोजीशन बेटर है कि हम हरि कथा सुने चाहे ना सुने, जो भी है हरि कथा नाम से ही हो जाएगा अकेले। इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे यही पॉइंट को, कि हरि नाम अकेला, हरि नाम तो सर्वशक्तिमान है, कौन सी ऐसी शक्ति जो हरि नाम में नहीं है, हरि नाम इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकता है, पर हम एक पॉइंट टच करेंगे। तो अगर हरि कथा ना सुने कोई बात नहीं चलेगा, ये डिस्कस करेंगे लेटर। पहले मैं आप सबके सामने हमारे गुरु भाई भक्त विकास पाठक से बोलूंगा, दैट ही टेक्स अप टुडेज टॉपिक इम्पोर्टेंस ऑफ हरि कथा। इस पे हम लोग को समझाएं कि हरि कथा सुनना क्यों आवश्यक है। उसके बाद हम लोग निताई प्रभु से सुनेंगे, और किससे सुनना है, किससे, साधु से सुनना है, तो एक साधु के बारे में, साधु कौन है कैसे हैं, एक साधु जिनकी अभी आविर्भाव तिथि गई है पिछले हफ्ते, नित्य लीला प्रविष्ट पुजपाद दंडी स्वामी श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी,
उनके बारे में पूज्यपाद रथांग पाणी प्रभु के बारे से सुनेंगे थोड़ी देर, ठीक है? चलो आ जाओ बेटा, इधर आ जाओ, यू सिट हियर, आई सिट हियर, है ना? हाँ जी, खड़े होंगे, बैठ के हो सकता है, इधर भी बैठ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। हरे कृष्ण, मुझे क्षमा करना, मैं ऊपर बैठा हूं, आप नीचे बैठे हैं, है ना? ये योग्यता के आधार पे नहीं है, ये इनकैपेसिटी के आधार पे। हरे कृष्ण, जो आज का विषय है हमारा, जैसे प्रभु जी ने बताया कि हरि कथा क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या सिर्फ हरि कथा ही इम्पोर्टेंट है, हमें माला से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हरि कथा है, या सेवा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हरि कथा है, या सिर्फ हरि कथा सुनने से ही भगवत धाम को प्राप्त किया जा सकता है जरूरी, या सेवा करने से ही भगवत धाम को प्राप्त किया जा सकता है? तो अगर हम चैतन्य लीला में देखें तो रूप गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु का संवाद हुआ प्रयागराज में, वहाँ पे महाप्रभु से रूप गोस्वामी ने लगभग 10 दिन तक हरि कथा सुनी, और 10 दिन तक हरि कथा सुनने के बाद जब रूप गोस्वामी वृंदावन आए तो उन्होंने बहुत से ग्रंथ लिखे। उस ग्रंथ में दो ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण थे, एक उपदेशामृत और एक भक्ति रस सिंधु। भक्ति रसामृत सिंधु। रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के 64 अंगों के बारे में बताया, जिसमें से 9 बहुत ही मुख्य हैं, जिसे हम कहते हैं नवभक्ति। जो हमारी गौड़िया वैष्णव फिलॉसफी है, ये नवभक्ति के इर्द गिर्द ही घूम रही है। जैसे कि हम एग्जाम्पल नहीं, अगर हम देखें तो जो हमारा गुंबद है मटका, एक बड़ा है और 8 छोटे छोटे हैं, या हम जनेव धारण करते वैष्णव तो वो 9 जनेव थ्रेड्स को धारण करते, जबकि कर्म कांड में इसको 6 जनेव धारण किया जाता है। तो इस नव भक्ति के आसपास हमारी, तो उसमें जो नव भक्ति है वो कौन कौन सी है? एक है शरण, कीर्तन, अनुस्मरण, अर्चन, उसके बाद पाद पद्म, उसका दास्य, सखा और आत्मसमर्पण। तो ये 9 हमारी जो है ये नवभक्ति है। तो इसमें जो सबसे पहले है वो है शरण। इसके बारे में प्रह्लाद महाराज के चरित्र को अगर हम पढ़े श्रीमद् भागवत में, जब प्रह्लाद महाराज अपने गुरुकुल से आए तो उनके पिताजी ने उनको बुलाया और अपने पास बैठा के बड़े ही प्यार से पूछा कि पुत्र तुमने गुरुकुल में क्या सीखा? जबकि उनके वहाँ पे गुरुकुल में क्या सिखाया जाता था कि भगवान की पूजा नहीं करनी, राक्षसों की पूजा करनी है, दैत्य की पूजा करनी है। पर प्रह्लाद महाराज तो अपनी माता के गर्भ में ही नारद से शिक्षा ले चुके थे, तो उन्होंने वहाँ पे एक श्लोक बोला कि स्वर्ण कीर्तन विष्णु स्मरण, मतलब हमें सुनना है, कीर्तन करना, और किसका स्मरण करना? विष्णु का, विष्णु तत्व। विष्णु तत्व कौन? जो विष्णु के 10 अवतार हुए उनके बारे में सुनना, कृष्ण के बारे में सुनना। तो जो हमारा मूल है वो क्या है? हरि कथा सुनना। क्योंकि हरि कथा जब तक हम नहीं सुनेंगे तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। हम कीर्तन करना चाहते, क्या कीर्तन करेंगे, हमें क्या पता क्या कीर्तन करना है, भगवान की क्या स्तुति करनी है, भगवान का अर्चन कैसे करना है, भगवान की वंदना कैसे करनी है, भगवान की सेवा कैसे करनी है। इस सब का जो मूल है वो क्या? हरि कथा। हरि कथा से ही पता चलता है कि हमें आगे भक्ति करनी कैसे है। क्योंकि देखिए, आप मठ में आए और हम लोग मठ में आते भी, हम भी छोटे में आते थे, हमें सेवा करनी होती थी, कोई भी सेवा कैसे भी कर ले, हमें पता ही नहीं। मान लो ठाकुर जी के बर्तन भी धोने तो उसकी भी एक विधि है, हम अपने जहाँ बर्तन धोते वहाँ थोड़ी धो सकते हैं, तो ये हमें कैसे पता चलेगा? हरि कथा से। हरि कथा से ही पता चलेगा कि हमें कैसे सेवा करनी है, ठाकुर जी का अर्चन कैसे करना है, कीर्तन करना है, कौन सा कीर्तन करना है, कोई भी कीर्तन नहीं करना,
कैसे करना, स्पेसिफिक कीर्तन कौन से टाइम पे कौन सा कीर्तन करना, आरती करनी है तो कौन सी आरती किस टाइम पे करनी है, संध्या आरती अलग है, मंगला आरती अलग है, दोपहर की आरती अलग है, भोग आरती अलग है, सब कुछ कैसे पता चलेगा? ये सब कुछ हरि कथा से ही पता चलेगा। हरि कथा वो बीज है जो हमारे वो पेड़ को बनाएगा। आप बहुत सेवा कर लें, सेवा भी किया जा सकता है, जैसे मठ पे बहुत से लोग आते हैं वो सेवा कर लेते हैं, पर हर कोई सपोज करें बहुत लोग आए उस मठ में, उसमें कितने परसेंट लोग सेवा करते हैं? 2%, आधा परसेंट। हर कोई सेवा नहीं कर सकते क्योंकि सेवा में रुचि पैदा नहीं होगी जब तक हम हरि कथा नहीं सुनेंगे। सेवा में सेवा भी कई प्रकार की है। एक व्यक्ति आता है वो कहता है कि मैंने तो सिर्फ वही सेवा करनी जो बहुत बड़ी सेवा जिससे मेरी मान प्रतिष्ठा हो, पर एक भक्त जिसने हरि कथा सुनी है वो कोई भी छोटी सेवा कर लेगा। सेवा छोटी या बड़ी नहीं होती, सिर्फ सेवा होती है। ये कैसे पता चलेगा? जब हम हरि कथा सुनेंगे। हमारे प्रभुपाद शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद जी ने 64 मठों की स्थापना करी। हमारे परम गुरु जी शिला भक्ति दैत्य माधव गोस्वामी महाराज जी ने 20 से भी ज़्यादा अधिक मठों की स्थापना करी। हमारे शिला ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी ने 200 सेंटर बनाए पूरे वर्ल्ड में। वो किस लिए बनाए? वो इसलिए थोड़ी बनाए कि आप आइए मंदिर देखिए कितने अच्छे टाइल्स लगी हुई हैं, कितने हाई प्रोफाइल फैंस हैं, या सिंहासन बहुत सुंदर है, हैं? इसलिए बनाए सेंटर्स, या ठाकुर जी के लिए रख रहे घर रहने के लिए बनाए सेंटर्स। अगर देखा जाए तो मंदिर में सबसे छोटा जो स्पेस दी गई है वो ठाकुर जी को दी गई है। गर्भ मंदिर कितना बड़ा है? एक हमारे कमरे जितना ही बड़ा है गर्भ मंदिर। तो क्या ठाकुर जी के लिए इतना बड़ा मंदिर बनाया? नहीं। अगर आप पूरे मठ में देखें तो सबसे बड़ी जो स्पेस दी गई है वो कीर्तन हॉल। इस हॉल जितना बड़ा कोई भी कमरा नहीं है। इसके पीछे रीजन क्या? हमारे परम गुरु जी की सोच, हमारे शिला प्रभुपाद से पहले हमारे कोई भी आश्रम नहीं थे, शिला प्रभुपाद ने आश्रम बनाए। क्यों बनाए? क्योंकि डिवोटीज आ सके, आके एक साथ बैठ सके, हरि कथा सुन सके। उस हरि कथा को सुनकर हम आगे जो नव भक्ति बताई गई है उसके ऊपर चल सके। जो बेस है, फर्स्ट स्टेप है, नींव है, वो है हरि कथा। और दूसरा टॉपिक कि हरि कथा सुननी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। किसके मुख से सुननी चाहिए? क्या हरि कथा किसी के भी मुख से सुननी चाहिए? तो इस पे शिल भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज बताते हैं, मैंने उनकी कथा में सुना है कि हरि कथा सुननी चाहिए एक श्रेष्ठ वैष्णव के मुख से सुननी चाहिए। ऐसा मैंने अपने गुरु जी के भी मुख से सुना है, नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोदक्ष श्रीमद भक्ति भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के मुख से सुना है कि हरि कथा एक श्रेष्ठ वैष्णव के मुख से सुनना चाहिए। क्यों? कहते कि जब तक एक एग्जाम्पल देते थे श्री नारायण महाराज, उनके वहाँ पे एक बड़ा फेमस होता था लिट्टी चोखा जहाँ से वो थे। तो कहते थे कि किसी अगर कोई जिसने नहीं खाया वो उसके टेस्ट को नहीं बता सकता कि उसका टेस्ट क्या है। जिसने खाया वही बता सकता है कि वो बनता कैसे है, खाने में कैसे है, उसको चबाना कितना पड़ता है। तो उसी प्रकार जिसने खुद जिसका आचरण सोचने जिसने खुद भगवत मतलब उस स्वाद को चखा नहीं है भक्ति के, उसको वो आपको कैसे बता सकता है। तो उसी प्रकार कि हमें किसके मुख से सुने? एक सर्वश्रेष्ठ वैष्णव के मुख से सुनना चाहिए, क्योंकि हम दूर मायावादी लोगों के मुख से सुनेंगे तो वो शायद हमारे हर्ट को इफेक्ट ना करें, पर एक श्रेष्ठ वैष्णव के अगर मुख से सुनेंगे तो उसके एक एक शब्द शब्द ब्रह्म की तरह है, वो हमारे हृदय को ट्रांसफॉर्म कर देंगे, चेंज कर देंगे। इसका एग्जाम्पल अगर देखा जाए तो शिला प्रभुपाद शिला ऐसी भक्ति विधान स्वामी महाराज जब फर्स्ट टाइम US गए इन 1697 के आसपास, तो उस टाइम पे इतने फॉरनर्स उनसे जुड़ते थे। महाराज की एक तो ओल्ड एज थी, टिपिकल बंगाली थे, उनकी इंग्लिश भी एक बंगाली टर्न में आती थी, पर इतने उन्होंने लोगों को कन्वर्ट कर दिया कृष्ण कॉन्शियसनेस की तरफ। कैसे? कहते वो एक खुद उन्होंने एक बुक लिखी, मैं बुक का नाम भूल गया, उसमें उन्होंने खुद मेंशन किया कि जब मैं फर्स्ट टाइम किसी को कथा सुना रहा था तो मैंने पितृलोक के बारे में बताया कि पितृलोक क्या। तो कहते फॉरनर को समझ ही नहीं आया कि वो पितृलोक है क्या, उसे ये पता था कि लोक मतलब अर्थ। वो कहता पेड़ों से लगा हुआ शायद अर्थ है, उसको वो पितृलोक समझा। तो कहते उसके बाद मैंने बुक्स लिखी तो उसमें पितृलोक को मेंशन किया तो उन्हें समझ आया, पर कहते तब तक वो डिवोटी बन चुका था।
तो मतलब कि वो कथा चाहे उसे समझ नहीं आ रही थी, पर जो उनके शब्द थे प्रभु ऐसे भक्ति प्रधान स्वामी महाराज के, उस शब्दों ने उसके हार्ट को ट्रांसफॉर्म कर दिया। इसलिए हरि कथा हमेशा किसके मुख से सुननी चाहिए? एक शुद्ध वैष्णव के मुख से। वैष्णव कौन? जो मठ में रहे क्या वही वैष्णव है? नहीं, ऐसा नहीं। वैष्णव कोई भी हो सकता है, भक्त कोई भी हो सकता है, आइदर वो मठ में रहे या ग्रस्त जीवन में रहे। इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर जबकि हमारे छह गोस्वामी का सत गोस्वामी जो है वो भक्ति विनोद ठाकुर है, जिन्होंने मायापुर जो लुप्त हो गया था उसको ढूंढा इन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर ने। नरोत्तम दास ठाकुर के बाद सबसे ज्यादा भजन जिन्होंने लिखे वो कौन? भक्ति विनोद ठाकुर, जिनकी आज भजनों को हम गाया करते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर कोई सन्यासी थे? नहीं। सिर्फ कपड़े से किसी को जज करना कि ये बहुत बड़ा भक्त है और एक पेंट शर्ट पहन के या कोई नॉर्मल घर में एक हाउस होल्ड डिवोटी रह रहा है वो सोचे कि अभक्त है, नहीं। किसी की भी साधना को उसके कपड़ों से जज नहीं किया जा सकता। और कोई भी भक्त, जरूरी नहीं कि जो मठ में रहे वही बहुत बड़ा भक्त है, घर पे भी बहुत बड़े भक्त हैं। तो हमें एक शुद्ध भक्तों के मुख से हरि कथा सुननी चाहिए। और हरि कथा सुननी कैसे चाहिए? मतलब ये नहीं कि हम हरि कथा में आए, आकर बैठे और बस अटेंटिव नहीं है, बस इधर उधर देख रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, बस कब 12:30 होंगे, प्रसाद पाएंगे और चल जाएंगे। एक बहुत एक एग्जांपल देता हूँ, मैंने एक एग्जांपल सुना महाराज जी से। कहते एक भक्त था, वो हमेशा हरि कथा में आता था और सबसे पहले आके वो बैठता था, आने के बाद बस वो सो जाता था। जैसे ही मैं बोलना वो महाराज जी बंद करते थे, वो उठ जाता था और उठ के चला जाता था। पर उसका वहाँ बैठना भी भगवान उसको कृपा मिल रही थी। क्या कृपा? कुछ दिन तक वो ऐसे ही आता लगो तो लोग थोड़ा मजाक उड़ाने लगे, जो पुराने डिवोटी, मजाक नहीं थोड़ा, जैसे ही वो आते लोग कहते थे आ गया, तो उसको ये सुनाई देता था कि आ गया, वो पीछे मुड़ के देखता था। फिर कहते थे बैठ गया, वो बैठ के देखता था कि ये भी कौन बोला, तो बस उसे ये। और जब वो जाने लगता था तो उसे ये सुनाई देता, अच्छा जा रहे हो, तो उसे तीन बातें सुनाई देती थी हरि कथा में, तो बस वो उसी का स्मरण करने लगा कि आ गया, बैठ गया, जा रहा है क्या। तो एक दिन उसके घर चोर आ गया, जब उसके घर चोर आया तो वही स्मरण कर रहा था आ गया क्या, तो चोर डर गया, कहता अरे इसको पता लग गया, वो कहता डर के बैठ गया, तो कहता बैठ गया क्या, वो बैठ भी गया, वो फिर और डर के भागने लगा, तो बोला जा रहा है क्या, तो और दौड़ के भागा। तो देखो हरि कथा में आंखें बंद करके सोया तब भी उसके लिए मंगल है। तो हमें ऐसे नहीं, हमें थोड़ा सुनना है। तो हमें जब हरि कथा सुनी तो बहुत अटेंटिवली सुननी है, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं, मतलब वो हमारे हार्ट को ट्रांसफॉर्म करेगा पर बहुत स्लोली स्लोली। पर जब हम अटेंटिवली हरि कथा सुनेंगे तो शायद वो हमारे माइंड को चेंज कर दे, जो हमारी श्रद्धा है भगवान के प्रति, वैष्णवों के प्रति, धाम के प्रति, वो बहुत तेजी से बढ़े। और जितनी तेजी से वो बढ़ेगी उतना ही जल्दी हमारा मंगल होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो हरि कथा है ये एक मूल है, वो बीज है, जिस बीज से ही पेड़ बन सकता है। जब तक हम हरि कथा नहीं सुनेंगे, हम सेवा करेंगे, सेवा का भी फल मिलेगा, पर जब हम हरि कथा सुनकर सेवा करेंगे तो उस सेवा में हमारी अधिक रुचि होगी। और जब हमें पता लगेगा कि ठाकुर जी की माला ठाकुर जी को कैसे पसंद है, हैं? अब कोई हर फूल का ठाकुर जी को माला भी नहीं पहनाई जाती, हमें पता ही नहीं है। हम ले आए माला और ला के उसकी माला बनाई, फूल लेके आए, माला बनाई और ठाकुर जी को दिया, ठाकुर जी तो एक्सेप्ट कर लेंगे पर वो क्या दिल से करेंगे, क्योंकि वो फूल उन्हें पसंद नहीं, उनको चढ़ाया नहीं जाता है ना। तो उसी प्रकार अगर हमने ये सुना होता कि ठाकुर जी को कौन कौन से पुष्प पसंद है, तो वो पुष्प लेके आए और ठाकुर जी को रिझाने की कोशिश करें तो ठाकुर जी एक पूर्ण रूप से रिझेंगे। तो इसीलिए हरि कथा वेरी इंपॉर्टेंट है। बिना हरि कथा के हम ये जो नवा भक्ति है, मतलब इसमें बढ़ सकते हैं पर बहुत ही धीरे धीरे, मतलब एक साइकिल की स्पीड से। अगर हमने फाइटर जेट की स्पीड से आगे बढ़ना है तो हमें हरि कथा मैंडेटरी है सुनना। बिना हरि कथा के मतलब वी कांट ग्रो इन द स्पिरिचुअल लाइफ। सो आज का जो टॉपिक था, क्या हरि कथा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोगों के
थोड़ा बहुत मैंने इस पर प्रकाश डालने की कोशिश करी कि वाई हरि कथा इज सो इम्पोर्टेंट, और हम शुद्ध वैष्णव के मुख से सुनना चाहिए। मैं वैष्णव तो नहीं, वी आर जस्ट डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, तो ये एक डिस्कशन है, हरि कथा नहीं हो रहा यहाँ। मतलब हम अष्ट गोष्ठ कर रहे हैं, जैसे प्रभुपाद के जो वो थे, क्या बोलते हैं शिष्य लोग, अष्ट गोष्ठ वैसे तो वांछा कल पत्र के पास लाइट चल रही, इनपुट ले नहीं रहा हूँ, इसको छोड़ दो। हरि कथा प्रभु जी ने बोला किससे सुननी चाहिए, इसको कैसे करेंगे दो? हरि कथा किससे सुननी चाहिए? हरि कथा उन्होंने बोला हरि कथा सुननी चाहिए, समझ आ गया सबको, हरि कथा जरूर सुननी चाहिए, पर प्रभु जी बोलते हरि कथा किससे सुननी चाहिए? साधु से, साधु से सुननी चाहिए बोला, ऐसा बोला था आपने, वैष्णव से साधु से सुनना चाहिए, वैष्णव से सुननी चाहिए, भक्त से सुननी चाहिए। तो फिर नेक्स्ट संडे से हमारा प्रोग्राम बंद कर देंगे अपना, यहाँ तो एक है ना, अब कितने सब लोग, तो हम लोग तो वी आर ऑल प्रैक्टिशनर्स, सो वी शुड स्टॉप स्पीकिंग हरिकथा एंड शुड स्टॉप स्पीक लिसनिंग टू हरिकथा फ्रॉम दिस प्लेटफॉर्म, इज इट ऑल राइट? बोलता ही नहीं कोई। अभी प्रभु जी ने बोला शब्द है इष्ट गोष्ठी, इष्ट किसे बोलते हैं? इष्ट हमारे, हमारे इष्ट, इष्ट भगवान, गोष्ठी भगवान की वार्ता, भगवत वार्ता, इसको बोलते हैं इष्ट गोष्ठी। तो हम लोग स्पिरिचुअल डिस्कशन कर रहे हैं। प्रभु जी ने एक रेफरेंस दिया एसी भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी का, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, साधु थे, साधु थे, श्योर नहीं, साधु थे, थे ना, वो तो साधु थे। अच्छा, उनके पास कौन करने आया, तो कौन उनके पास शरणागत हुए? साधु ही हुए, वो साधु थे है, वो कौन थे? वो तो कोकेन लेते थे, उनकी जीवनी पढ़ो तो उसमें वो जो ड्रग्स है उनको मेंशन करते हैं, क्या क्या कर, इतने टेक्निकल नेम्स हैं उसके, LSD, कोकेन, दे यूज्ड टू स्मोक। वो लोग स्वामी महाराज जी के पास आते थे, हरि कथा सुनते थे, प्रसाद उनका खाते थे, हरि कथा क्या सुनते थे, जो थोड़ा बहुत बोलते थे, मेनली प्रसाद खिलाते थे उनको, ठाकुर को भोग लगा के प्रसाद खिलाते थे, ठीक है। वो भक्त हुए, वही लोग भक्त हुए कि नहीं, हिप्पी थे, हिप्पीज बोलते थे उनको, है ना, तो वो हिप्पीज से क्या बन गए, हैप्पीज। तो किससे बेस पे बन गए, साधु का संग कर। तो साधु से बात सीखनी है, ये बात श्योर है। अब दूसरा एंगल सुनो, स्वामी महाराज जी के पास जब वो लोग आए, नए नए आए, स्वामी महाराज जी क्या करते थे, सुबह उनको क्लास देते थे, प्रसाद खिलाते थे, फिर उनको किताबें देते थे, ये बुक्स ले जाओ और जाके बाहर बाजार में, मार्केट में, प्लेस में इसका वितरण करो, और ऐसे ही नहीं मुख बन के वितरण करना, हरि कथा बोलना। हरि कथा तो साधु से सुननी चाहिए, वो तो अभी दो दिन के डिवोटीज हैं, मंदिर में आए दो दिन हुए उनको, साधु संघ किए दो दिन हुए, वो गए, कोशिश की, किताब भी दे दी, वापस आके स्वामी महाराज ने पूछा, अच्छा आज कितने लोगों को आपने हरि कथा सुनाई? उन्होंने ये नहीं पूछा आज कितनी बुक्स बेची, ऐसा नहीं पूछा उन्होंने,
आज आपने कितने लोगों को कृष्ण कथा सुनाई? वो कहते कृष्ण कथा बोली नहीं जाती, हमसे तो बोली नहीं गई, बोले तो क्या बोले हमें मालूम ही नहीं है कुछ, क्या बोलेंगे? हरि कथा तो वो बोलता है जो जिसको कुछ पता हो। अगली इंस्ट्रक्शन क्या थी? आज सुबह क्लास अटेंड की थी? हाँ जी की थी। क्लास में कुछ सुना था? हाँ जी सुना था। अब अगली बार किताबें लेके जाओगे बाहर, जो आपने आज की क्लास में सुना वही बोलना है। बोल लोगे? हाँ जी बोल लेंगे, वही हरि कथा है। वो तो साधु नहीं हुए अभी कि हो गए साधु, पर इस वक्त जब वो बाहर जाते हैं किताब देने सबको, तो किसकी कथा बोलते हैं? वो एक साधु की कथा बोलते हैं। साधु की कथा हरि कथा, ठीक है? आपसे कल डिस्कशन हो रहा था, कल किनका तिरुभाव था? परसों पूज्यपाद नित्यलीला प्रविष्ट भक्ति हृदय बन गोस्वामी महाराज जी, प्रभुपाद जी के पास अभी आए ही हैं। फर्स्ट डे ऑफ हिज इंटरेक्शन विद श्रील प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी के पास पहली बार आ रहे हैं, फर्स्ट एवर टाइम आ रहे हैं। प्रभुपाद जी ने उनको क्या किया? उनको बैठे मिला, बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि वो तीन चार दिन से वेट कर रहे थे। और ऐसा बताया जाता है कि वो पूर्व जन्म में भी श्रील प्रभुपाद के शिष्य थे, कई अपराध की वजह से एक जन्म और लेना पड़ा उनको। खैर वो बात अलग है, पर अभी क्या बात बताते हैं आपको। पहली बार प्रभुपाद जी के पास आए हैं, प्रभुपाद जी ने अपने पास बैठा के कथा सुनाई, और कथा सुनाई 2 घंटा कथा सुनाई। और नरेंद्र बाबू कैसे बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, नस्सु, उनका नाम तब नस्सु, नस्सु प्यार से बोलते थे, नाम था नरेंद्र नाथ। उन्होंने बड़े ध्यान से कथा सुनी, तो प्रभुपाद जी 2 घंटे बाद उन्हें क्या बोलते हैं? जाओ और एक प्रबोधन लिख के आओ, प्रबंध लिख के आओ, जो सुने वही कथा लिख के आओ, क्या सुना ये भी लिख के आओ। वो गए और एक आर्टिकल लिख के आए, आर्टिकल का नाम क्या? आत्मीय के, मेरे अपने कौन? अपने कौन है? मम्मा, डैडी, पुत्र, परिवार, स्त्री, ये सब मेरे अपने ना, अपने कौन है? ये आर्टिकल लिखने को उन्होंने आर्टिकल लिखा, वही जो प्रभुपाद जी ने बोला, और एज इट इज साधु भाषा में, भागवतीय लैंग्वेज जो सुनी गई है उसी में लिखा। इमीडिएटली प्रभुपाद जी ने ऑर्डर कर दिया, इसको छापो इस बार की मैगजीन में, इस हफ्ते की मैगजीन में इसको छापो। कहते वो तो ऑलरेडी डिजाइन हो चुकी है। कहते कोई बात नहीं, आप उसको एडजस्ट करो, अकोमोडेट करो ये आर्टिकल को, वहां छपेगा इस बार। हो वो तो साधु हो गए क्या? अभी तो 2 घंटे आए हुए प्रभुपाद जी से मिले हुए, 2 घंटे हुए प्रभुपाद जी से मिले हुए, उनसे हरि कथा सुननी चाहिए थी कि नहीं सुननी चाहिए थी? इस तत्व को समझना है। एक बिजली का तार है, मान लीजिए ये मैं प्लग में डालता हूं और इसकी वायर को काट देता हूं और इसकी तार को मैं टच करता हूं, मुझे करंट आएगा? आएगा। क्यों? क्योंकि वो उसका स्रोत कहां है, उसका सोर्स कहां है, प्लग कहां है उसका, जहां बिजली का स्रोत है वहां से बिजली आ रही है। अब एक खाली तांबे की तार पड़ी है, तांबा कॉपर, तांबा बोलते हैं ना कॉपर को, कॉपर वायर पड़ी है, मैं इसी तार को स्विच ऑन करके उस जो बिल्कुल खाली पड़ी है, कोई इसके अंदर शक्ति नहीं है, कोई कैपेसिटी नहीं है, कुछ नहीं है, उस कॉपर की वायर को टच कर दूंगा। अब वो कॉपर वायर है कि वो इलेक्ट्रिक वायर है? वो कॉपर वायर जो कहीं भी कनेक्शन नहीं है उसका, कोई कनेक्शन नहीं है, निर्जीव, उसके अंदर एक इस तरह टच कर दूंगा तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक वायर होगी, उतनी ही शक्ति होगी जितनी इस तार के साथ आ रही है इस वक्त।
आज उसके ऊपर कोई पांव रख दे, कोई हाथ लगा दे, तो उसको क्या लगेगा? करंट लगेगा, शॉक लगेगा। ये बात समझनी है, हरि कथा किससे श्रवण करनी है, ध्यान से सुनना। अगला जो हमारा कथा वाचक हमारे गौड़िया धारा के हईबेन है ना, हमारे निताई प्रभु, ये हईबेन है, हईबेन ध्यान से सुनिएगा। आज का विषय इंपॉर्टेंस ऑफ हरि कथा। हम यहां आए हैं सुने और सुन के लाभ उठाएं, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। हर बार की तरह इस बार भी क्विज का कार्यक्रम किया जाएगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, फिर बात पूछेंगे आप। ये नहीं चाहिए। ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातं हं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतिशे नमः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषवानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। वृंदाये तुलसीदेवै प्रिया वै केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। भक्त्याभिहीनापराधलक्षै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दम्। प्रभुजी ने, श्रीपादहरि वल्लभ प्रभुजी ने कल ऐसा आदेश किया मुझे, पहले ऐसा डिसाइडेड नहीं था, कोई और भक्त होना था, तो प्रभुजी ने कहा कि हरि कथा विषय है और इस पर थोड़ा सा बोलना है। तो मैंने प्रभु जी को ऐसे ही बोला कि हरि कथा बोलने के लिए उसमें आचरण होना चाहिए, मेरा तो आचरण नहीं है, तो जिस चीज़ में मैं प्रतिष्ठित ही नहीं हूँ अगर मैं उसे बोल भी दूंगा तो उसका क्या लाभ, वो क्या असर करेगी। तो प्रभु जी ने मुझे क्या बोला कि खड़े बोल रहे हरे कृष्ण। तो प्रभु जी ने मुझे ऐसा बताया कि यद्यपि ये बात ठीक है कि जब आचरण होगा, आचरण होने से वो बात पूर्ण रूप से जो श्रोता है उसके हृदय में जाएगी, स्पर्श करेगी, लेकिन एज अ प्रैक्टिशनर हमारे लिए क्या कर्तव्य है कि जो हम हरि कथा बोलेंगे उस हरि कथा से ही हमारा आचरण बनेगा, वही हरि कथा हमारे आचरण का गठन करेगी। जब हम बोलेंगे बोलते रहेंगे, सुनेंगे, तो हम इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, हम देखेंगे कि यार जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसमें मैं प्रतिष्ठित नहीं हूँ, तो धीरे धीरे क्या होगा, मेरा चरित्र उससे घटित हो जाएगा। और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा, अवश्य होगा ऐसा दिन कि हम जो चीज़ बोल रहे हैं उसमें प्रतिष्ठित भी होंगे। तो हरि कथा विषय, इस विषय में हमारे गुरुवर्ग बहुत बताते हैं, इस बारे में गुरु महाराज जी ने कई बार अपनी कथा में बोला इस विषय पर। तो गुरु जी जिन टॉपिक्स को टच करते थे मैं उसी को ही थोड़ा थोड़ा बोलूँगा, उसी का अनुकीर्तन करूँगा। तो गुरु जी, एक भक्तिनोद ठाकुर जी ने गीति लिखी, श्री राधा कृष्ण पद कमले मन के मने लभिवे चरम शरण। तो वहाँ पर एक पंक्ति आती है, सिद्ध देह दिया वृंदावन मझे सेवामृत कर दाना
आया प्रेम मत करी मोरे सुननी जगुन गान सुननी जगुन गान। भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि हे श्री राधा कृष्ण, आप मुझे सिद्ध देह प्रदान कीजिए। सिद्ध देह अप्राकृत देह, ट्रांसेंडेंटल बॉडी। ऐसा क्यों कहा सिद्ध देह प्रदान कीजिए? क्योंकि अप्राकृत वस्तु नहीं प्राकृत गोचर। जो अप्राकृत वस्तु है, भगवान है, उनको उनके साथ संपर्क युक्त होने के लिए हमें उसी भूमिका में जाना पड़ेगा। सिद्ध देह दिया, हे राधा कृष्ण आप वृंदावन धाम में, अपने धाम में मुझे सिद्ध देह प्रदान कीजिए। और उसके बाद सिद्ध देह दिया वृंदावन माजे सेवामृत कर दान। यू प्रोवाइड मी द डिवाइन एम्ब्रोसिया ऑफ योर सर्विस। अपनी सेवा रूपी अमृत को मुझे प्रदान कीजिए, सेवामृत कर दान। उसके बाद सेवामृत, जब सेवा प्रदान करेंगे तो पियाया प्रेम, मुझे अपने प्रेम का पान करा के मुझे उसमें मत कर दीजिए। सुन निज गुणगान, पियाया प्रेम मत करी मुझे सुन निज गुणगान। तो यहाँ पे जिस बात क्या बताई कि भगवान ने हमें सिद्ध देह प्रदान की, सिद्ध देह प्रदान करके अपनी सेवा प्रदान की, सेवा प्रदान करके हमें अपने प्रेम का पान कराया, और जब हमने प्रेम का पान किया हम उसमें मतवाले हो गए, तो उस अवस्था में हमने जो चीज़ बोली वही भगवान ने हमसे बुलवाई इनडायरेक्टली, और वही सुन के उसको उसका रसा स्वादन कर रहे हैं। तो मतलब कि क्या, हरि कथा जो है, हरि कथा अप्राकृत वस्तु, इस धाम की वस्तु नहीं, हरि कथा हरि की कथा। तो जैसे भगवान ट्रांसेंडेंटल, भगवान की प्रत्येक वस्तु, भगवान की कथा भी ट्रांसेंडेंटल, तो वो उसी भूमिका में आकर बोली जाएगी। एक पक्ष सुना हमने कि जो भगवान की कथा है अपराकृत भूमिका में बोली जाएगी, तो अपराकृत भूमिका में बोली जाएगी तो हम तो जड़ अवस्था में, अभी जड़ जगत में है, प्राकृत भूमिका में। प्राकृत भूमिका मतलब इस प्रकृति के अंतर्गत आते हैं, इस प्रकृति से हमारा गठन हुआ, तो फिर तो हम हरि कथा नहीं बोल सकते क्योंकि हम अप्राकृत भूमिका में है ही नहीं अभी। तो इसका समाधान फिर गुरुजी खुद ही करते हुए बताते हैं कि यद्यपि हम अभी अप्राकृत भूमिका में नहीं हैं, पर हमारे गुरु महाराज हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि मेरे गुरुजी का, मतलब उनके गुरुजी हिज डिवाइन ग्रेस श्री भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज जी, मेरे गुरुजी का ऐसा आदेश है कि तुम जहाँ पर भी जाओगे, गुरुजी के मुख से जो सुने हो, वैष्णवों के मुख से जो तुमने सुना है, जो शास्त्र की वाणी है, उसी का ही प्रचार करो, उसी का ही अनुकीर्तन करो। तो इसी बात को स्मरण करते हुए हम आपस में जो इस संडे को क्लास करते हैं, इष्ट गोष्ठी करते हैं, वो इसी बात को हम आधार मानकर चलते हैं। तो ये हमने सुना कि हरिकथा कौन बोलेगा, जिसको गुरु महाराज जी या गुरुवर्ग, भगवान के भक्त योग्यता प्रदान करेंगे। एक और प्रसंग गुरु महाराज जी इसी के रेफरेंस में बताते हैं कि योग्यता कैसे आएगी। ध्रुव महाराज जी जब अपनी सौतेली माता सुरुचि से, उन्होंने सुरुचि ने उनको डांट दिया और बोला कि भगवान का भजन करो और उनसे वर मांगो कि तुम्हारी मृत्यु हो जाए और तुम मेरे गर्भ से तुम्हारा जन्म हो, तब तुम अपने पिता के साथ में उनके गोद में बैठ सकते हो। तो जब वो अपनी माता से ऐसा सुनकर, सौतेली माता से सुनकर भजन करने के लिए वन में चले गए, तो वहाँ जाकर उन्होंने, बहुत बात है मैं शॉर्ट में बोलूँगा, तो जब उन्होंने भगवान को प्रसन्न किया नारद गोस्वामी जी के अनुगत्य में जाके उनसे मंत्र लेके, तो भगवान उनके सामने प्रकट हो गए। तो वो तो तपस्या कर रहे हैं, उन्होंने अपनी आंखों को नहीं खोला, तो फिर भगवान ने क्या किया, अंदर प्रकाशित थे उनके हृदय में, तो वहाँ से अंतरित हो गए, वहाँ से डिसअपियर हो गए, बाहर वो अपियर हो गए, बाहर प्रकाशित हो गए। तो उन्होंने अपनी आंखें खोली और ध्रुव महाराज जी ने दर्शन किया। फिर वो भगवान को देख रहे हैं, उनकी स्तुति करना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, पर वो 5 साल के बालक तो कुछ बोल नहीं पा रहे, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा मैं कैसे भगवान की स्तुति करूं। तो भगवान ने क्या किया, अपने शंख को
उनके कपोल पे, उनके चीक्स पे लगाया। तो जैसे ही कपोल पे लगाया शंख को, वैसे ही सारी मतलब सारी स्तुतियाँ जो बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं कर सकते, ऐसी ऐसी उन्होंने स्तव स्तुति भगवान के लिए की। तो वो स्तव स्तुति क्या है? वही हरिकथा है जो वहाँ से आती है, कृपा भगवान से, भगवान के भक्तों से। वही कृपा संचरित करते हैं, वही हमें ट्रांसफ्यूज करते हैं कृपा को, और उसी के बल से हम जो बोलते हैं फिर वो हरिकथा हो जाती है। तो ये हमने सुना कि हरिकथा सुननी चाहिए। हरिकथा कैसे, मतलब हरिकथा की क्या योग्यता है, हरिकथा कैसे बोली जाए? पर हरिकथा सुननी क्यों है? मैं क्यों हरिकथा सुनूँ? हरिकथा क्यों सुननी चाहिए, आपको क्या लगता है? भाई मठ में आए हैं, ठाकुर जी का दर्शन करेंगे, थोड़ा नाच गाना हो जाएगा, नाच लेंगे थोड़ा कीर्तन में, उसमें थोड़ा रस भी आता है, आनंद होता है। कथा यार मतलब ये तो वो कथा तो वो सुनते हैं जो कुछ नहीं है करने को, मठ में इतनी सेवा है, जो किसको कुछ सेवा नहीं पता वो आके बैठ जाए यहाँ पे, ये तो फ्री टाइम वाली चीज़ें हैं। तो कथा क्यों सुननी है बताओ, कौन बताएगा कथा की नीड क्या है? अच्छा, हम क्या चाहते हैं भजन करके? कौन माता जी? अच्छा, मतलब हम हर भगवान को पाना मतलब क्या होता है, ये भी समझाया जाता है हमारे ग्राम में। भगवान को पाना होता है भगवान की सेवा प्राप्त करना, भगवान को की सेवा प्राप्त करना। आप हरिनाम करती हैं, हरिनाम करती हैं, हरिनाम करना और भगवान का साक्षात संग करना, उसमें कोई अंतर नहीं है, कोई भी अंतर नहीं है। भगवान भगवान को पाना, भगवान का मतलब नित्य संग पाना, नित्य संग पाकर की सेवा करना, ये हरिनाम में ऑलरेडी क्वालिटी है। हरिनाम करना या भक्तों की सेवा करना, भगवान की ठाकुर की सुंदर सुंदर ड्रेसेस सिलना, ठाकुर जी के यहाँ पे आकर परिक्रमा करना, ये भी भगवान को पाने ही, भगवान को पाना हमारे गुरुदेव बोलते हैं इसी कथा में, जो एक कथा में रेफरेंस दे रहे हैं इसी कथा में बोलते हैं, है ना, भगवान को पाना मतलब भगवान की सेवा। ठीक है, भगवान को पाना ऐसा नहीं ना, तो भगवान लिटरल नहीं, भगवान की सेवा प्राप्त करना बिल्कुल सही है। हरिकथा क्यों सुननी चाहिए? उन्होंने एक जवाब दिया, भगवान को पाने के लिए, और कोई जवाब नहीं है। भगवान हरिकथा क्यों सुननी चाहिए? माता जी ने बताया कि भगवान को पाने के लिए, उनकी सेवा प्राप्ति के लिए, और कोई कुछ बोलेगा? जो भी प्रोग्रेस करें वो हम वैष्णव होगी, जो भी उन्होंने बोला वैसे करें। हाँ बहुत अच्छी, यही एक छोटा वैष्णव है, इसका मैं बताता हूँ। इसने अभी तो बोल दिया हरिकथा क्यों सुननी चाहिए, मैं इसका असली रीजन जानता हूँ क्योंकि मैं इसके साथ ही सोता हूँ, ये मेरे साथ सोता है। ये हरिकथा क्यों सुनता है, इसने असली बात नहीं बताई, दोबारा से असली बात बता दो जो मैं जानता हूँ हरिकथा क्यों सुननी चाहिए, जो असली बात है वो बता। माइक दो ना विकास प्रभु, माइक दो। रोज हरिकथा क्यों सुनता है? कोरस क्वेश्चन करनी है ना, इसको भी बता चाहिए। ये दिन में आधा घंटा सोएगा तो भी हरिकथा सुनते सोएगा, रात को सोएगा तब भी हरिकथा सुनते सोएगा। इसका हरिकथा सुनने का केवल एक पर्पज है, नींद बहुत अच्छी है। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।
बिल्कुल आप उस पर बोलेंगे सब सुन लेंगे, आपने जो बोला ना वो सब सुन लेंगे। हमारे बंदे ने कहा है कि जो आप दवा देते हैं ना वो दवा में नहीं का भी नहीं है, वो एक और बंदे डाल दिया उन्होंने जाप किया शुरू कर अपने शक्ति से जाप करे अपने एक घंटे दवा के शुरू को इसमें नकल किया तब जाते हैं तो शिष्यों के लिए हैंडल करते हैं। हमारे भारत में है ये दादा बालू नहीं है इधर टूटने की लकड़ी नहीं है इसका भी उतना ही सम्मान करना है जितना हमें मंदिर में आके दादा मानने के ये हमें सीढ़ी दी है 108 मंत्रों की, इस पर चढ़ के एक दिन कृपा करें गुरु जी हम गोलो धाम पहुंचे। प्रभु जी ने बताया मेरे विकास प्रभु जी ने कि भक्ति के लता भक्ति बताई 9 प्रकार की भक्ति प्रहलाद महाराज जी ने बताया, तो उस लता भक्ति के सबसे पहली भक्ति बताई श्रवण कीर्तन, मतलब 9 भक्ति श्रवण कीर्तन स्मरण पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। फिर हमारे श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने उसको और ज़्यादा समराइज कर दिया और ज़्यादा उसका निचोड़ निकाल के 5 प्रकार की मुख्य भक्ति बताई, साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरावास श्रद्धा श्री मूर्ति सेवन। तो इन 5 अंगों में भी महाप्रभु ने क्या बताया, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन निरपराधे नाम ले ले पावे पाए प्रेम धन। तो सर्वश्रेष्ठ क्या बताया, नाम संकीर्तन, तो नाम संकीर्तन सर्वश्रेष्ठ है तो मतलब हमें हरिनाम ही करना चाहिए क्योंकि नाम से तो सब कुछ मिलेगा, यह हई ते सर्वसिद्धि हई वे सवार, नाम ही साधन है नाम ही साध्य है, तो फिर हरिकथा का क्वेश्चन आया ही नहीं, हरिकथा सुननी क्यों है हमने। प्रभु जी ने जो भी हमारे रथांग पाणिदास प्रभु जी ने जो भी बताया हमें हरिनाम की महिमा, ये सुनना ये जो उन्होंने बताया यही हरिकथा है, तो जब ये हम सुनेंगे नाम की क्या महिमा है तो नाम की महिमा सुनने से ही तो नाम में रुचि होगी, और जब नाम में रुचि होगी तभी नाम का पूर्ण फल मिलेगा वो फलीभूत होगा। और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी हरिकथा के बारे में एक बार क्या हुआ कि बारिश का मौसम था तो बारिश होने के कारण ज़्यादा वक्ता कथा सुनने के लिए नहीं आए, तो जो ज़्यादा श्रोता नहीं आए सुनने के लिए, तो जो भी लोग आए थे सुनने के लिए वो आपस में डिस्कस कर रहे थे कि आज का दिन तो बहुत बेकार है दुर्दिन है, क्यों बारिश हो गई तो ज़्यादा कुछ हमारा काम भी नहीं ठीक से हो पाया, बिजनेस भी नहीं हुआ ठीक से और सारा सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। तो प्रभुपाद जी ने क्या बोला हरिकथा में कि ये दुर्दिन क्या है, दुर्दिन क्या है, तद्दिनम दुर्दिनम मन्ये मेघाच्छन्नम न दुर्दिनम यद्दिनम हरिसंलाप कथा पीयूष वर्जितम। उस दिन को दुर्दिन मानना, दुर्दिन बैड डे, किस दिन को मानना, जो बारिश होगी मेघाच्छन्न मतलब जब आसमान में बादल है बारिश हो रही है वो दुर्दिन नहीं है, दुर्दिन क्या है बैड डे क्या है, जब हमें हरिसंलाप हरि भगवान की कथा रूपी अमृत जब हमें सुनने को ना मिले, जिस दिन हमें हरि कथा सुनने को ना मिले वो हमारा दुर्दिन है। तो ऐसी महिमा बताते हैं हमारे वैष्णवगण हरि कथा की, और साधु संग हरि कथा के बारे में हमारे ग्रंथों में शास्त्रों में कई बातें लिखी है, गुरु महाराज जी अक्सर बोलते थे साधु संग सर्वशास्त्र कहे लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है, लव मात्र मतलब थोड़ा सा भी साधु संग, बिल्कुल लव एक फ्रैक्शन होती है सेकंड की, उतना साधु संग करने से भी हर प्रकार की सिद्धि हो जाएगी। अब सिद्धि सब्जेक्टिव हो सकती है अलग अलग हो सकती है, पर मुख्य रूप से हम किस सिद्धि की बात कर रहे हैं, कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण प्राप्ति कृष्ण सेवा प्राप्ति, भगवान की सेवा की प्राप्ति, उनके भक्तों की सेवा की प्राप्ति। तो
इसके ये लव मात्र साधु संघ है, सर्व सिद्धि है। तो क्षण काल साधु संघ की क्या महिमा है, इसके बारे में एक और कथा है कि वशिष्ठ जी और विश्वामित्र जी के बारे में एक कथा है कि एक बार विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी को अपने घर पर बुलाया, उनको आमंत्रित किया भोजन के लिए। तो जब उन्होंने उनको खिला दिया, खिलाने के बाद दक्षिणा का समय जब आया, तो दक्षिणा देने के समय विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी को कहा कि मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं आपको दक्षिणा स्वरूप में अपने हजारों वर्षों की तपस्या दक्षिणा स्वरूप में देता हूँ। तो वे आगे अपने घर में, फिर कुछ दिनों बाद वशिष्ठ जी ने उनको अपने घर पर आमंत्रित किया, उनको इन्विटेशन दी खाने के लिए। तो जब उन्होंने जब उनके घर पर प्रसाद पाया और जब दक्षिणा देने का समय आया, तो वशिष्ठ जी ने कहा कि मैं अपने साधु संघ के क्षण काल, एक सेकंड का साधु संघ का फल मैं आपको प्रदान करता हूँ। तो विश्वामित्र जी तो कुपित हो गए, वो तो क्रोधित हो गए, गुस्से में आ गए कि ये तो मेरा अपमान है, मैंने अपने हजारों साल की तपस्या दे दी और आपने मेरे को इतनी सी एक क्षण की साधु संघ की का फल दिया आपने मुझे। तो वे ब्रह्मा जी के पास गए इसके न्याय के लिए कि मेरे साथ इस प्रकार उन्होंने किया। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि साधु संघ की क्या महिमा ये तो मैं जानता ही नहीं, तो मैं कैसे इसका निर्णय करूं कि उन्होंने जो आपको फल दिया उसका क्या, उसकी क्या महिमा है। तो ब्रह्मा जी के बाद वो शिव जी के पास गए, शिव जी महाराज के पास। तो शिव जी महाराज के पास गए, उन्होंने ऐसा सोचा कि ये तो सब समय भगवान की महिमा कीर्तन करते हैं अपने पांचों मुख से। पर शिव जी महाराज कहते हैं कि यद्यपि मैं भगवान का कीर्तन करता हूँ, पर मुझे साधु संघ की क्या वास्तविक महिमा है, भगवान के भक्तों की संघ की महिमा मैं भी नहीं जानता। तो फिर वो अनंत देव के पास, शेष जी के पास गए। तो अनंत जी के जो सिर पर धरती का सारा भार होता है, तो उन्होंने धरती पृथ्वी को अपने शीश पर धारण किया हुआ था। तो विश्वामित्र जी जब उनके पास गए साधु संघ क्षण काल साधु संघ की महिमा पूछने के लिए, तो उन्होंने कहा कि भाई मेरे सिर पे इतना बोझ है, मैं अभी तुम्हें नहीं बता पाऊँगा, इतने प्रेशर में हूँ मैं, तो प्लीज़ थोड़ी देर के लिए तुम इसके वजन को थोड़ी देर उठाओ, पृथ्वी के वजन को, आप तो शक्तिशाली ऋषि हैं, महातेजियान हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं उठा लेता हूँ अपने तपोबल से। तो उन्होंने अपना जो बल था, सारा जो तप था उसको लगाया, पर वो पृथ्वी को नहीं उठा पा रहे। तो कहते हैं भाई मैं नहीं उठा पा रहा, अनंत देव को कहते हैं कि प्रभु मैं असमर्थ हूँ, मैं नहीं उठा पा रहा। तो उन्होंने कहा कि आप और आपके पास जो भी तपस्या है, जो भी आपने कृत्य किए हैं वो लगाइए। तो वो कहते मैं सब कुछ लगा चुका हूँ। कहते नहीं, कुछ तो होगा, सोचो। तो उन्होंने बहुत ही अनमने मन से बोला कि हाँ है, मेरे पास वो दक्षिणा में मिला था क्षणकाल साधु संघ, उसका फल मिला था। कहते ये भी लगा लो। तो उन्होंने वो भी लगा दिया। तो जैसे ही उन्होंने बोला, तो जो पृथ्वी का सारा भार था वो एकदम से हल्का हो गया और पृथ्वी को उन्होंने धारण कर लिया। तो फिर अनंत देव कहते हैं कि अभी भी कुछ कहना पड़ेगा क्या, तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर उससे उन्होंने ये स्थापित किया कि साधु संघ की क्या महिमा है, अपार महिमा है, एक क्षण काल साधु संघ की भी बहुत महिमा है। तो स्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, एक घड़ी आधी घड़ी उन्हीं आधी से याद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। कि इतना एक घड़ी आधी घड़ी उसका भी 1/4, इतना सा साधु संघ भी हो जाएगा, साधु का संघ मिलने से सब प्रकार के हमारे अपराध चले जाएंगे। और क्षणमिया सज्जन संगति रेखा भवती भवानव तरने नौका। शंकराचार्य जी कहते हैं क्षणकाल साधु संग करने मात्र से क्या होगा, भव समुद्र जो जन्म मरण का चक्कर है उससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। तो ये सब हम क्यों सुन रहे हैं, बेस बना रहे हैं कि भाई हरिकथा सुननी क्यों है, वरना क्या होगा, उसके दूसरा पक्ष भी सुन लेते हैं। श्री प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अपने प्राय अपने प्रवचन में बताते थे कि हरि कथा के बिना मठ में कोई भी क्रिया करेंगे, इट इज इक्वल टू कर्म,
कर्म और भक्ति में बहुत ही मार्जिनल डिफरेंस है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हम किसी प्रभु जी के साथ में जाके सेवा कर रहे हैं, बाल्टी उठा रहे हैं, कुछ भी सेवा कर रहे हैं, और ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, तो वो सेवा सेवा हो भी रही है या कर्म हो रहा है वो डिसाइड कौन करेगा? अथॉरिटी करेगी। तो अथॉरिटी हमारे कौन है? हमारे गुरुवर। तो गुरुवर क्या बोल रहे हैं कि बिना हरि कथा के, हरि कथा ही मटका प्राण है, हरि कथा के बिना प्रत्येक क्रिया कर्म है, भक्ति नहीं है। तो कर्म होगा तो कर्म का फल भोगना पड़ेगा, अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। तो अच्छा कर्म करेंगे तो पुण्य मिल जाएगा, तो वो भी ठीक है, पुण्य मिलेगा स्वर्ग मिल जाएगा, ठीक है ना? पुण्य के लिए तो आते हैं मठ में, स्वर्गवास हो जाएगा, फिर हमारे यहाँ पे प्लेट लग जाएगी स्वर्गवासी श्री श्री ना, उनकी पावन स्मृति में ये पंखा लगाया गया, तो अच्छी बात है, घूमेंगे फिर यहाँ पर लक्चरा से। पर क्या वास्तविक में वास्तविकता यही है? यही मठ की हमारी वास्तविक शिक्षा है कि हम अच्छा काम करेंगे और लोगों की हेल्प करेंगे, उससे क्या होगा? हमारी सुकृति बन जाएगी, सुकृति नहीं, हमारा पुण्य होगा और हमें स्वर्ग मिल जाएगा। स्वर्ग ही तो चाहिए, नर्क में थोड़ा जाना है। स्वर्ग भी नहीं चाहिए, नर्क भी नहीं चाहिए। भक्तिनो ठाकुर जी जो चतुर्थयाम उसकी गीति में बोलते हैं, उसका जो कीर्तन आता है, प्रभु तव पद योगे मोर निवेदन, नाही मागी देह सुख विद्याधन जन, नाही मागी स्वर्ग, नाही मागी स्वर्ग आर मोक्ष नाही मागी, ना करी प्रार्थना कौन विभूति रलागी। यद्यपि हम उस स्टेज पे अभी नहीं पहुंचे, पर प्रैक्टिस तो वही कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए लिख रहे हैं, वो तो अपने स्टेज में पहुंचे हुए हैं, पर वो हम प्रैक्टिशनर्स के लिए लिख रहे हैं कि क्या करना है। हमने भगवान से कोई जागतिक वस्तु नहीं मांगनी, साधु से कोई जगत की वस्तु नहीं मांगनी। अगर हम साधु की ये डेफिनेशन करते हैं कि मेरे पेपर में अच्छे मार्क्स आ जाएं, तो अगर आ गए तो वो साधु है, मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, शादी हो जाए तो वो साधु है ना, और मैं पैसे नहीं कमा पा रहा तो साधु के पास जाऊंगा, साधु को कुछ खिला दूंगा, साधु को कुछ फल लेकर खिला दूंगा, साधु खुश हो जाएगा और मुझे कुछ अच्छा आशीष दे देगा, और उनकी गुड विशेष से मेरे पास पैसे आ जाएंगे, मैं कार खरीद लूँगा। अगर हमारे ये मोटिव है तो वो उसके लिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक और बात लिखी है। गुरु जी ये बोला करते थे जब भी जाते थे, कहते कि हम अलग अलग जगहों पर जाता है, वहाँ पर बड़ा बड़ा बैनर लगा होता है, क्या लगा होता है, क्या लिखा होता है उसमें? संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ द्वय, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ द्वय। फिर वहाँ के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो बोलते हैं कि आप तो, आप सब भक्त लोग त्रिवेणी में आ गया, यहाँ पर आकर स्नान कीजिए, साधु लोग आ गया, इनसे अपना इनसे कथा सुनिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। तो गुरु जी कहते हैं ये तो एक आधी बात बोली, एक पक्ष बोला, पूरी बात क्यों नहीं बोलते? कहते मैं बोलता हूँ, पूरी बात ये है, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, शुद्ध धारा लक्ष्मी पापी के भी होए। शुद्ध मतलब पुत्र, धारा स्त्री, लक्ष्मी धन। कहते अगर हमने पैसे कमाने हैं, अगर हमने अपना घर परिवार बढ़ाना है, तो वो तो पापी से पापी के पास है। अगर हमें पैसे ही चाहिए तो अनिल अंबानी से जाके मांग लेते हैं, उसके लिए तो कुछ नहीं है, वो 2000 का नोट ऐसे दे देगा आपको। हाँ, गौतम अदानी के पास भी जा सकते हैं, तो अदानी अंबानी के पास जाए, फिर उनके पास क्यों जाना है, साधु के पास? सुत दारा लक्ष्मी पापी के भी होए, ये तो साधु से ज़्यादा पापी के पास होगा। तो साधु के पास आने का क्या, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा क्या मोटिव, लक्ष्य क्या है हमारा? साधु के पास इसलिए आना है क्योंकि साधु सद वस्तु भगवान है, उन्हीं में उनकी चित्तवृत्ति है, सब समय भगवान के बारे में उनका चिंतन है, भगवान के लिए ही वो उनकी कथा है, भगवान के लिए उनके भक्तों के लिए वो सब प्रकार के कार्य, सब प्रकार की सेवाएं करते हैं। तो जब जैसा हम संग करेंगे वैसा रंग चढ़ेगा। जब हम साधु के पास जाएंगे तो साधुवाद ही बोलेगा, वो धंधे की बात थोड़ा ना करेगा कि कैसे बिजनेस बढ़ेगा, कैसे ये होगा, वो तो हमें
दुनिया की बात नहीं करेगा, वो तो भगवान की बात करेगा, वो जो बोलेगा वो हरिकत है, तो वो ही सुनने से हमारा मंगल होगा। तो साधु संघ की हमने ये महिमा सुनी कि साधु संघ की ये महिमा है, तो साधु संघ की महिमा तो सुन ली, हरिकथा की महिमा सुन ली, पर साधु कौन है? साधु पता होगा तभी तो साधु के पास सुनेंगे। तो साधु कौन है इसके बारे में कपिल देवभूति संवाद से गुरुजी एक बात उठाते हैं कि कपिल भगवान से उनकी माता देवभूति प्रश्न करती है कि जो मन है, मन ही बंधन का कारण है, मन ही मुक्ति का कारण है, तो मेरा मन भगवान में कैसे लगे? तो फिर कपिल भगवान बताते हैं, सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवंति हृतकर्ण रसायना कथा तज्जोष्ण आश्व अपवर्ग वर्तमनी श्रद्धा भक्ति श्रद्धा रति भक्ति अनुक्रमिष्यति। सताम प्रसंगान, सताम मतलब साधु, साधु का प्रसंग करने से, उनका संग करने से वो क्या बताएंगे? उन भगवान की जो वीर्यवती कथा है, भगवान की जो पावरफुल कथा है वो हमें श्रवण कराएंगे। वो क्या होगा? जब हमारे हृदकर्ण रसायना कथा, जब हमारे हृदय में, हमारे कर्ण के कानों के माध्यम से हृदय में प्रवेश करेंगे, तो उससे क्या होगा? धीरे 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 क्रमे क्रमे अनुक्रमिष्यति बोला है, मतलब सीक्वेंस वाइज धीरे धीरे पहले श्रद्धा आएगी, फिर भगवान में रति होगी, फिर अल्टीमेटली भक्ति मतलब प्रेम उदित होगा भगवान में। तो ये प्रोसेस है कि सताम प्रसंगान। तो उसके बाद उन्होंने बताया साधु के क्या लगते हैं, उन्होंने ये तो सुन लिया कि साधु से कथा सुननी है, फिर वो पूछते मैं साधु को पहचानूं कैसे, तो साधु के क्या लक्षण है? तो कपिल भगवान पहले साधु के गौण लक्षण बताते हैं, सेकेंडरी लक्षण, तितिक्षव कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजात शत्रु शांत साधु साधु भूषण। कि जो साधु होंगे, तितिक्षव सहनशील होंगे, टॉलरेंट, त्रिनाद भी सुनीचे, कारुणिका वो उनमें स्वाभाविक ही दूसरों के प्रति दया भाव होगा। तो यहाँ पर बहुत अर्थ है, कारुणिका करुणा का क्या विशेष अर्थ क्या है वो सब हम उन चीज़ों में नहीं जाएंगे अभी। सुहृद सर्वदेही नाम, अजात शत्रु उनका कोई शत्रु नहीं होता, शत्रु नहीं होता मतलब वो किसी को शत्रु देखते ही नहीं। अब वैसे तो बहुत जो साधु होगा उसका अपोज करने वाले बहुत लोग होते हैं, पर वो किसी को अपना शत्रु नहीं मानते। पर ये सब उन्होंने बताए सेकेंडरी लक्षण। फिर प्राइमरी लक्षण क्या बताया, मुख्य लक्षण क्या है, स्वरूप लक्षण क्या है साधु का? मई अनन्य अनन्येन भावेन भक्ति कुर्वन्ति जय दृढ़ाम, जो मेरी अनन्य भाव से भक्ति करते हैं। अनन्य मतलब न अन्य इति अनन्य, सिर्फ मेरी अनन्य भाव से भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, वे मेरे भक्त हैं। जो वैष्णव के 26 गुण बताए उसमें क्या स्वरूप गुण, मेन गुण क्या है? कृष्ण एक शरण। तो ये जो कृष्ण एक शरण मतलब कि भगवान में अनन्य शरण, भगवान में अर्थात भगवान के भक्तों में, तो जिनकी भगवान में, भगवान के भक्तों में प्रीति है, उनमें शरणागत है पूर्ण रूप से, वो साधु है। अब हमने कथा सुननी है, हमने किसी से कथा डिस्कस करनी है, भगवान के बारे में चर्चा करनी है, तो हमें एक पैरामीटर मिल गया। क्या पैरामीटर है? कि वो उसकी जो मेंटेलिटी होगी, उसकी जो हर समय जो उसकी चित्त की वृत्ति होगी, जो उसकी सोच होगी, वो सब समय क्या होगी कि यार अच्छा अभी अतिथि आ रही है, अब कैसे कीर्तन करना है, क्या करना है, अच्छा अब जन्माष्टमी आ रही है, वो फूलों की सेवा देखनी है। वो हर समय सेवा में, हर समय भगवान के भक्तों की सेवा में और कथा कीर्तन में, वो सब समय वहीं पर ही उसका माइंड इन्वेस्टेड रहेगा। वो ठीक है हमसे बात करेगा, दुनिया की भी बात करेगा, बट वो व्यवहारिक बात होगी। उसका सब समय ध्यान कहाँ होगा? भगवान में, भगवान के भक्तों में, भगवान की कथा में। वो उस साधु का हमने संग करना है। यद्यपि ऐसा बोला गया कि शुद्ध साधु का संग करना है, पर
जो जिनसे हमने संग कर रहे हैं उनके भी तीन स्टेजेस हो सकते हैं। एक स्टेज तो ये कि उनके दोनों चरण इस जगत में हैं, मतलब वो अभी इनिशियल फेज में हैं, वो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट दे आर सिंसियर, वो निष्कपट है, भजन निष्कपट रूप से कर रहे हैं, गलतियां भी कर रहे हैं, बट वो जानते हैं कि गलतियां हो रही हैं, उनको उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और उनका मतलब जो मोटिव है उसमें कोई अन्य अभिलाष नहीं है, भगवान की प्रीति के लिए वो भगवान का भजन कर रहे हैं। एक भक्त ऐसे हैं जिनका एक चरण इस जगत में है और एक चरण उस जगत में है, वो ग्रेजुअली अपने अनर्थों को दूर कर चुके हैं या कर रहे हैं, और वो और ऊपर उठ चुके हैं भगवान की तरफ, वो और प्रवृत्ति उनकी हो चुकी है। और तीसरे जो मुक्त पुरुष होते हैं जिनके दोनों चरण उसी जगत में, तो सबसे श्रेष्ठ तो यही है कि हम ऐसे पुरुषों का संग करें जिनके दोनों चरण उसी जगत में है। पर ऐसा होने पर भी मंदिर भालो, जो चीज़ मिले, अगर हमें किसी से अगर हमें कोई पैसे दे रहा है, अगर 100 रुपये का नोट मिलेगा हम 100 रुपये ले लेंगे, 100 नहीं मिलेगा 50 का मिलेगा तो 50 ले लेंगे, नहीं तो 20 का ले लेंगे, कुछ तो मिल रहा है। तो जहाँ पर हमें साधु बात सुनने को मिल रही है, साधु के वचन सुनने को मिल रहे हैं, या जो साधु नहीं भी है पर उसने उस शुद्ध साधु का संग किया है, उसकी बात सुनने को मिल रही है, तो उसको हम ग्रहण करेंगे, उस पर हम ध्यान देंगे। अब वो सब भी ठीक है, हरि कथा किससे सुननी ये भी सुन लिया, और साधु संग करना है, साधु कौन है ये भी सुन लिया। तो हरि कथा डेली, हाँ हरि कथा के बारे में और क्या, हरि कथा की महिमा क्या है, हम अल्टीमेटली क्योंकि हम जीव हैं, जीव का बाय नेचर हम अनुसच्चिदानंद हैं, इसलिए हमें हमेशा आनंद की खोज है। हम हमेशा क्या चाहते हैं, बोलते हैं ना सुख शांति बनी रहे, सुख शांति बनी रहे, क्यों बोलते हैं कि अल्टीमेटली हम क्या स्टेज हमारा इक्विलिब्रियम में हम क्या चाहते हैं, हम स्टेबिलिटी चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। तो आनंद के लिए क्या बताते हैं गुरु महाराज जी, शृण्वत श्रद्धया नित्यम घृणतश्च सचेष्टितम नाति दीर्घेन कालेन भगवान विशदे हृदि। शृण्वत श्रवण करना है, कैसे करना है, दो कंडीशन बता दी, श्रद्धया श्रद्धा के साथ, और नित्यम नित्य डेली रेगुलरली। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए दो चीज, दो प्रोसेस बताई, श्रीणवत श्रद्धया नित्यम, फिर क्या बताया, घृणतश्च स्वचेष्टितम, उसमें उसको दृढ़ता के साथ सुनना है, उस चेष्टा के साथ। चेष्टा का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो चीज़ हम सुन रहे हैं सिर्फ सुननी लेनी है, उसको ग्रहण करने की चेष्टा करनी है, चेष्टा के साथ यत्न के साथ सुनना है। यत्न के साथ सुनने का अर्थ यहाँ पे यही है कि जो हमने सुना है, जो हमने वैष्णव का चरित्र सुना या भगवान की लीला सुनी, कथा सुनी, उसको अपने जीवन में लेकर के आना है, उसको धारण करना है। अगर हम उसको नहीं कर पाएंगे तो वो सुनना एक्चुअल में सुनना नहीं हो पाएगा। इसका उदाहरण देते थे हमारे श्री भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी कि एक बालक है, वो टीवी देख रहा है, टीवी देखते देखते उसकी मम्मी आवाज़ लगाती है कि बेटे दूध पी ले। कहते हैं हाँ मम्मी मैं पी लूँगा। तो उसका ध्यान टीवी में, वो टीवी देख रहा है, फिर थोड़ी देर बाद फिर आवाज़ लगाती है कि दूध पी ले, दूध ठंडा हो जाएगा, तूने अभी तक नहीं पिया। वो आके देखती है कि पिया ही नहीं दूध। कहते हैं हाँ मम्मी मैं पी लूँगा। फिर थोड़ी देर बाद फिर मम्मी आती है, वो देखती है इसने तो पिया ही नहीं, फिर मम्मी रिमोट से टीवी बंद कर देती है। तो वो एकदम से झटपटाता है, क्या कर दिया मम्मी, टीवी क्यों बंद कर दिया, अभी इतना इंटरेस्टिंग मैच आ रहा था, मैं तो देख रहा था, एकदम क्यों बंद कर दिया आपने। तो मम्मी कहते कि तू मेरी बात ही नहीं सुनता। कहते क्या नहीं बात सुनता, कहते मैं तब से तेरे को बोल रही हूँ दूध पीने को, तू कह रहा है हाँ मैं पी रहा हूँ, तूने दूध ही नहीं पिया। कहते मैंने कब बोला, आपने कब मुझे बुलाया, मेरे को तो आपने बोला ही नहीं। तो फिर उसकी मम्मी क्या बोलती है कि इसको तो सुना ही नहीं देता। तो जब उसकी माता ने बोला कि सुना ही नहीं देता, तो उसका मतलब क्या, वो बहरा है, बहरा वो नहीं, उसका मतलब ये है कि सुनने के बाद भी उसने सुना ही नहीं, क्योंकि इसका ध्यान ही नहीं यहाँ पे था। तो जब हमने हरिकथा सुननी है तो श्रीणवत श्रद्धया नित्यम
गणितश्च स्वचेष्टितम्, यतन के साथ बड़ी चेष्टा के साथ उसको सुनना है। तो ऐसा करने से क्या होगा, नाति दीर्घेन कालेन, बहुत ही कम समय में, इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, भगवान वृषते हृदि, भगवान हृदय में, जो सदवस्तु भगवान है वो हमारे हृदय में आके निवास करेंगे। तो जो आपसे पूछा गया था कि हरि कथा सुन क्यों सुननी है, हरि कथा सुनने से क्या होगा, जो आज का टॉपिक है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कि अल्टीमेटली जो हम चाह रहे हैं, जिसके लिए मठ में आ रहे हैं, मठ क्या है, मठ और मंदिर में अंतर क्या है, एक मठ है एक मंदिर है, मंदिर में भी ठाकुर जी हैं, मठ में भी ठाकुर जी हैं, वहां पर भी जाके प्रणाम करते हैं, आरती वगैरह होती है, दर्शन करके आ जाते हैं। तो मठ में क्या ऐसी विशेषता क्या है, मठ को क्या बोला जाता है, परमार्थिक स्कूल, मठंती वसंती छात्रा परमार्थिना, मठ में क्या है कि ये परमार्थिक केंद्र है, यहाँ पर परमार्थ की शिक्षा दी जाती है, परमार्थ मतलब उस जगत की, भगवत धाम, भगवत धाम में कैसे जाया जाएगा, उस भगवान से रिलेटेड, उनके भक्तों से रिलेटेड जो हर समय चर्चा होती है। तो हमारा मठ में आने का मोटिव ही यही है, अगर मठ में आकर हमने हरि कथा नहीं सुनी तो हरि कथा ही मठ का प्राण है। श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी अपने प्रवचन में एक जगह पर बोल रहे हैं कि प्रारंभिक अवस्था में जो हम प्रैक्टिशनर, जो हम इनिशियली अभी भी मठ में आए हैं, इस अवस्था में अगर अभी हमारा हरि नाम कम भी है तो चल जाएगा, पर हरि कथा के बिना नहीं चलेगा। हरि कथा इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, हरि कथा इज मस्ट। तो बस इतना ही कह के मैं अपने वक्तव्य को शेष करता हूँ। वंशाकल पत्र कृपा सिंधु पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। प्रभु जी ने बड़ा सुंदर एक्सप्लेनेशन आप सबको दिया, इम्पोर्टेंस ऑफ हरि कथा, है ना, क्या बोला, हरि कथा क्यों सुननी चाहिए, मठ में आते हैं हरि कथा क्यों सुननी चाहिए, एक बड़ा फास्ट प्रोसेस है। क्या बताया, शृण्वता स्वकथा कृष्ण, क्या पुण्य श्रवण कीर्तनम, श्री कृष्ण की जो कथा है उसको कैसे सुनना है, कैसे बोला, शृण्वता स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनो नाति दीर्घेन कालेन भगवान ना हाँ दोनों मिक्स हो गए, हृदयंतस्तो ही अभद्राणी विदुनुते सताम सतम, है ना। रोज हरि कथा सुनने से क्या होगा, भगवान आपका अंतःकरण, भगवान की जो हरि कथा है, भगवान के यशों का गान है, क्या हरि कथा, भगवान के गुणों का ही गान है ना। तो भगवान की हरि कथा क्या करती है, हमारे जो हृदय पटल है उसको एकदम क्लियर कर देती है, चेतो दर्पण मार्जनम, है ना, उसको साफ कर देती है, भगवान के नाम का कीर्तन, भगवान के गुणों का कीर्तन, भगवान के यश का कीर्तन, भगवान के धाम का कीर्तन, ये सब क्या करती है, हमारे हृदय पटल को एकदम साफ कर देती है। और अभद्राणी, जितने अभद्र हैं अनर्थ हैं उस सबको समूल खत्म कर देती है। अगला बोला शृण्वता श्रद्धया नित्यम, शृण्वता श्रद्धया, श्रद्धा के साथ, और कैसे, नित्य डेली, अरे भाई डेली, हाँ जी डेली। प्रभुपाद जी वॉज आस्क्ड सिमिलर क्वेश्चंस, ही सेड 24 आवर्स आउट ऑफ 24 आवर्स यू हैव टू रिमेन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस, 24 घंटा में 24 घंटा कृष्ण भक्ति करनी है, 24 घंटा में 24 घंटा निरंतर, तो इतने काम और है वो भी तो करने हैं, वो किसको लेके करने हैं, कृष्ण भक्ति को लेके करने हैं। अगर वो सारे काम
इसलिए हो रहे हैं कि कृष्ण भक्त सुचारु सुष्टु रूप से चले तो वो भक्ति है। तो कृष्ण कथा जो श्रद्धा के साथ जो नित्य रूप से सुनता है, क्या करते हैं, कालेन ना अति दीर्घेन भगवान विशते हिदि, जो श्रद्धा के साथ जो नित्य प्रति भगवान श्री कृष्ण के यशों का, उनके गुणों का, उनके धाम का, उनके परिकरों का नित्य रूप से श्रवण करता है, कथा श्रवण करता है साधु के मुख से, क्या होता है, ना अति दीर्घेन, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, ना अति दीर्घेन कालेन, बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, क्या होता है, भगवान विशते हिदि, उसके हृदय में भगवान आके बैठ जाते हैं। भगवान तो खुद कहते थे, जगन्नाथ रथ यात्रा के प्रसंग में आपको बताया था, कहा मैं तो यहां भी नहीं रहता हूं, मैं वहां भी नहीं रहता हूं, है ना, मैं कहां रहता हूं, जहां मेरा प्रसंग होता है। दूसरा श्लोक प्रभु जी ने बहुत, ये देखिए हमारी गौड़ीय वैष्णव परंपरा के जो हरि कथा कीर्तन है उसके ये जो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक हैं, ये हम लोग को याद भी होने चाहिए। कल को हम लोग भी जाएंगे, कोई हमसे पूछेगा हाँ जी कहाँ जाते हो तुम, एक्स वाई जेड मंदिर क्यों नहीं जाते, तुम वहां क्यों जाते हो, हम जी यहाँ इसलिए जाते हैं क्योंकि यहाँ जो वहां तो पंडित जी बस चरणाम भी देते हैं, प्रसाद देते हैं, ना वो खुद जानते हैं ना हमें बता सकते हैं, परंतु यहाँ के जो स्वामी जी हैं, यहाँ के जो भक्त लोग हैं, और तो छोड़ो मठवासी छोड़ो, जो मठ में रेगुलर विजिटर्स हैं आपकी तरह, वो भी बता सकते हैं। तो हम लोग ये धारा को जब सीखेंगे, इन टॉपिक्स को सीखेंगे, इनको एडॉप्ट कर लेंगे। हरि कथा क्यों सुननी चाहिए, क्योंकि रोज हरि कथा सुनेंगे तो बिटिया क्या होगा, हर रोज श्रद्धा के साथ, श्रद्धा के साथ, श्रद्धा समझते हो, आपकी क्लास में है लड़की, उसका नाम है वो नहीं श्रद्धा, श्रद्धा किसे कहते हैं, श्रद्धा के साथ कोई काम करना, क्या बोलो, क्या बोलते हैं, श्रद्धा किसे बोलते हैं, फेथ के साथ, बड़े भाव के साथ, श्रद्धा के साथ, श्रद्धा के राइट वे विद फेथ, विद स्टॉन्च फेथ, कोई काम करना, फर्म फेथ, है ना, हाँ श्रद्धा के साथ करें। एक्चुअली श्रद्धा का भी मतलब हम लोग को गौड़िया वैष्णव ही सिखाते हैं, अब वो बोलूंगा कैसे सीखोगे श्रद्धा, कौन सी श्रद्धा, श्रद्धा शब्द कहे सुदृढ़ विश्वास, कृष्ण भक्ति कहिले सर्व कर्म कृत होए, ऐसी कौन सी श्रद्धा, किस कृष्ण भक्ति करने से, श्री कृष्ण भक्ति, राधा कृष्ण भक्ति करने से सर्व कर्म कृत होए, सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, श्री कृष्ण भक्ति से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, ये श्रद्धा के साथ, श्रद्धा के साथ क्या करना है, और नित्य रूप से नित्य प्रति क्या करना है, हरि कथा श्रवण करना है। हरि कथा श्रवण करेंगे तो ये जो हरि नाम प्रभु जी ने बताया कि हरि नाम सर्व समर्थ है, हरि नाम गुरु जी ने दे दिए तो वही राधा कृष्ण ही दे दिए, प्रभु जी की अवस्था के हिसाब से बिल्कुल सही है। परंतु हरि कथा में भी, हरि नाम में भी क्वालिटी तब आएगी जो साधु के मुख से हरि कथा सुनते रहेंगे, हरि नाम करने में वो भाव उदय होंगे जब हरि कथा सुनी होगी, और हरि नाम इज इक्वल टू हरि कथा, हरि कथा इज इक्वल टू हरि नाम, बहुत हरि नाम हरि कथा सुनने से क्या होगा, हरि नाम करेंगे बहुत अच्छा, हरि नाम करेंगे तो हरि नाम की कृपा से ऐसा साधु मिल जाएगा जो मैंने आपको बोला था ना, मैं शुरू में आपको बताऊंगा बाद में, हरि नाम करने से क्या होगा, हरि नाम की कृपा से ऐसा साधु मिल जाएगा जो आपको हरि कथा सुना देगा, और हरि कथा सुनने से क्या होगा, हरि नाम में क्वालिटी आ जाएगी। इज दैट ऑल राइट। दूसरा श्लोक इन्होंने बताया, आज की कथा को ये दो श्लोक के आसपास घुमा दीजिए, पहला आपको बता दिया शन्वता श्रद्धया नित्यम, शन्वता श्रद्धया नित्यम और गृणतश्च सचेष्टितम नाति नाति दीर्घेन कालेन भगवान विशते हिदि। एक ये चीज याद करके कल ग्रुप में भेजेंगे सब लोग, है ना, सब लोग ग्रुप में भेजना, है ना, ये श्लोक याद करके प्रभु जी शेयर कर लेंगे उसको श्लोक को,
दूसरा श्लोक प्रभु जी ने क्या बताया कपिल देवहूति संवाद से, सतां प्रसंगान मम वीर्य संबितो भवन्ति हृत कर्ण रसायन कथा, रसायन कथा, हरि कथा सुननी है श्रद्धा के साथ सुननी है, रोज सुननी है। सुनने से क्या होगा, वो माता जी से पूछा गया था, माता जी फ्रॉम जीरकपुर, रोज हरि कथा सुनने से क्या होगा, वो इस श्लोक में बताया गया। जब हम साधु के मुख से भगवान की वीर्यवती कथा सुनेंगे, जो कथाएं कैसी हैं, हृत कर्ण रसायन कथा, भगवान की कथा का स्वरूप क्या है, हृत और कर्ण के लिए रसायन समान है, और भगवान की कथा कैसी है, साधु के मुख से वीर्यवती है, वीर्यवती मतलब क्या होता है, पोटेंट, शक्तिशाली, शक्ति से ओतप्रोत भरी हुई, यह शक्ति क्या है इसको समझो। गौड़िया वैष्णव परंपरा में आप इंपॉर्टेंट श्लोक को सुनेंगे तो उसकी व्याख्या उसकी टिप्पणी भी समझनी जरूरी है, उसकी टीका में क्या बोलते हैं। वीर्यवती मतलब क्या, शक्ति से ओतप्रोत, इसका मतलब क्या, इसका मतलब जिस साधु से सुनते हो उस साधु का आचरण, यानी वीर्यवती इज इक्वल टू आचरण। प्रभु जी बहुत बढ़िया कीर्तन करते हैं, उन्होंने तो रथ यात्रा में धूम मचा दी, उन्होंने तो बस सबको नचा दिया। प्रभु जी हम आपके साथ तब कीर्तन करेंगे, आप नचाओ तो सही, थोड़ा फास्ट करो फास्ट करो फास्ट करो, प्रभु जी फास्ट करो, कमाल कर दिया प्रभु जी ने आपने तो। परंतु कल को वो प्रभु जी का आचरण कुछ ऊपर नीचे देख लिया तो क्या वो वीर्यवती हुई उसकी कथा, नहीं हुई। तो किससे सुनने, सतांग प्रसंगान मम वीर्य संबितो, मम मतलब भगवान खुद बोल रहे हैं भाई, भगवान खुद अपनी इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, किसके पास जाना है तुमने, साधु के पास जाना है और मेरी वीर्यवती कथा सुननी है। वीर्यवती इज इक्वल टू आचरण, और भगवान की कथा कैसी होती है, हृत कर्ण रसायन कथा, हित मानी हृदय के लिए और कानों के लिए रसायन, इसको कैसे एक्सप्लेन किया। एक होती है औषध जो ठीक कर देती है और एक होता है रसायन, बीमार को दोनों दिए जाते हैं, औषध क्या करती है, बीमारी ठीक कर देती है। भगवान की कथा कैसी है, औषध बोला गया कि रसायन बोला गया, बड़ा देखो रस कितना है इस कथा में। भगवान की कथा हृदय के लिए और कानों के लिए रसायन के समान है, औषध तो केवल बीमारी ठीक कर सकती है, कमजोरी दूर नहीं कर सकती। आप एंटीबायोटिक खाएंगे आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी परंतु आपकी कमजोरी दूर नहीं होगी, ठीक बात ऐसे ही होता है, एंटीबायोटिक तो खा लिया बीमारी दूर नहीं हुई, बीमारी दूर हो गई कमजोरी लग गई साथ में। कमजोरी दूर करने के लिए क्या करना पड़ता है, डॉक्टर्स क्या प्रिस्क्राइब करते हैं, वाइटामिन लेने पड़ेंगे आपको, ये वाइटामिन डी सी डी जो देते हो। भगवान श्री कृष्ण की जो कथा है वो रसायन क्यों है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की कथा औषधि भी है और रसायन भी है, क्या करती है, बीमारी भी दूर करती है और कमजोरी भी दूर करती है, हित दौर्बल्य है तो वो अनर्थों को भी दूर करती है। भगवान श्री कृष्ण की जो साधु के मुख से कथा सुनी जाए, ठीक बात है। और सुनने का फायदा क्या है, आगे बताया जाता है, जद दोषनाथ अश्व अपवर्ग वर्तमानी, इसको आप कल्टीवेट करेंगे, इसको आप फॉलो करोगे, इस प्रोसेस को साधु से कथा सुनने को, साधु से हरि कथा सुनने से वो कहां लेके जाएगी, मुक्ति के रास्ते पे ले जाएगी, भक्ति के रास्ते पे ले जाएगी, और क्या कराएगी, सबसे पहले क्या दे देगी माता जी, भगवान को पाना, वो भी बताया जा रहा है।
भगवान की कथा साधु से सुनोगे सबसे पहले क्या मिलेगा? श्रद्धा, फर्स्ट। ये बाय प्रोडक्ट है साधु की कथा का। सबसे पहले श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। कौन सी श्रद्धा? वही श्रद्धा जिसके बारे में बताएगा कृष्ण भक्ति कहले सर्व कर्म कृत होए, श्रद्धा। उसके बाद भक्ति ना, उसके बाद रति, अटैचमेंट, अटैचमेंट टू भगवान एंड भक्त। उनको चेयर देनी पड़ेगी। सबसे पहले श्रद्धा, फिर रति, फिर तीसरी भक्ति। भक्ति, और ऐसे नहीं कि कथा सुनते सुनते सबसे पहले भक्ति हो गई। अनुक्रमिष्यति, इस क्रम में, इस ऑर्डर में सबसे पहले श्रद्धा उत्पन्न होगी, फिर रति होगी, और उसके बाद भक्ति पैदा हो जाएगी। ये साधु से कथा सुनने का फायदा है। आज हमने ये दो मूल श्लोक से आज का टॉपिक सुनने की चेष्टा करी। आज का टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ हरि कथा। देखिए प्रभुपाद जी तो यहां तक बोलते हैं, हमारे निताई प्रभु जी ने बोला कि कथा जो नहीं सुनता और अन्य अन्य बहुत सेवाएं कर रहा है, हां वो कर तो जरूर रहा है, पर प्रभुपाद जी की वाणी में वो कर्म बन जाएगा। जो हरि कथा नहीं सुनता और केवल और क्रियाएं कर रहा है, उस भी कर्म है। जस्ट टू एनकरेज द फॉलोअर्स, प्रभुपाद सेड दिस। जो पूज्य बौन गोस्वामी महाराज जी का प्रसंग बताया कि पहले ही दिन दो घंटे हरिना कथा सुना के आर्टिकल लिखने को बोला, उसके बाद प्रभुपाद जी ने उनको क्या आज्ञा दी? उन्होंने बोला आप रियल सीकर हो, आप वास्तविक श्रोता हो, आप आज के बाद रोज मेरे पास आओगे और हरि कथा सुनाऊंगा मैं आपको। उनको दिन रात हरि कथा सुनाई और उन्हें बोला आपने बाहर सिर्फ तब जाना है जब प्रसाद पाना है, प्रसाद पाना है, प्रसाद पाके वापस मेरे पास आएंगे, मैं तुम्हें हरि कथा सुनाऊंगा। प्रभुपाद जी ने बोला, दिन रात उन्हें हरि कथा सुनाई। एंड ही वॉज द फर्स्ट बैच टू गो एंड प्रीच अब्रॉड। ये बात। अच्छा, प्रभु जी ने दो तीन बातें, ये विकास पाठक प्रभु जी ने बहुत अच्छी बात बोली, उसको मैं रिपीट करूंगा। इन्होंने कथा में बोला, ये मैंने सुना नहीं बात, पर ये बहुत हृदय को स्पर्श करी। इन्होंने अपनी कथा में बोला कि हमारे यहाँ नाट्य मंदिर इतने बड़े बड़े क्यों बनाए जाते हैं? ये जो हॉल है इतने बड़े बड़े हॉल क्यों बनाए जाते हैं? इसीलिए बनाए जाते हैं कि भक्त लोग बैठ सकें और इष्ट गोष्ठी हो सके, इष्ट गोष्ठी हो सके, भगवान की कथा बोली जाए और भक्त लोग सुविधा के साथ बैठें और कथा श्रवण कर सकें। हमारे आचार्य तो नंदगांव बरसाना नवदीप धाम में रहकर एकांत में भी भजन कर सकते थे। उन्हें क्या जरूरत पड़ी कि पंजाब जैसे एकदम मायावाद से भरे क्षेत्र में हमारे परम गुरु जी आ गए? क्यों जाते हैं? ये अनसरपासेबल बाउंडलेस कंपैशन टू लिविंग एंटिटीज इसलिए होता है। जिस भक्त को पहली उनके गुरु जी का आदेश, दूसरा बाउंडलेस कंपैशन टू लिविंग एंटिटीज, वो उस जगत के लोग हैं, वो इस जगत के लोगों को, प्राणियों को दुख में नहीं देख सकते, और उनकी अवस्था देखकर आउट ऑफ देयर कंपैशन, कंपैशन क्या कहते हैं, हां असीमित दया, उसकी सीमा नहीं है, खुद का निजी भजन त्याग कर उसका टाइम को कॉम्प्रोमाइज कर नबी, कॉम्प्रोमाइज नहीं है। हमारे परम गुरु जी के पास एक भक्त आए कोलकाता की बात, वो कहते थे मैं तो सोचता था इनसे हरिनाम लूं और हरिनाम लेने से बहुत बढ़िया हो जाएगा, परंतु जब इनके कमरे में देखता हूं लोग बैठे होते हैं, ये सब टाइम कथा ही बोलते रहते, कथा ही बोलते रहते, दिन में जाओ दिन में, दोपहर में जाओ दोपहर में, शाम को जाओ शाम में, ये महात्मा हरिनाम कब करते हैं? तो जो हरिनाम नहीं करते वो मुझे हरिनाम, मैं ऐसे क्यों लूंगा उनके साथ?
ये उनके मन में आ गया बात, ये उनके मन में आ गई बात। और दूसरी अवस्था देखिए, दूसरी तरफ देखिए, परम गुरु महाराज जी हर समय क्या परचर्चा कर रहे हैं, संसार की वार्ता कर रहे हैं, हर समय हरि कथा बोल रहे हैं। हरि कथा बोलने का क्या प्रयोजन है? भगवान के प्रति मन लगे, ध्यान मन में लगे, समस्त इंद्रियां भगवान के कथा में लग जाएं, हरि नाम का क्या पर्पस है भाई? परंतु हरि नाम भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, ही टू चैंट ऑल नाइट लॉन्ग। हमारे जयपुर के पास एक गांव है छींड की ढाणी, वहां के भक्त हैं, हमारे गुरुवर्ग हैं पूज्यपाद अनिरुद्ध प्रभु जी। वो बताते हैं, कहते मैं अपने गुरुजी के पास घंटों घंटों बैठे रहता था, फिर मैं रात को जब कभी उनके पास देखता था तो मैं झांक के रोशनदान में से देखता था और गुरुजी की लाइट जल रही हल्की, क्या कर रहे हैं, तो मैं देखता था कि वो चल चल के हरिनाम कर रहे हैं, हरिनाम कर रहे हैं। तो ये चीजें आपने देखना है, ये सब क्यों कर रहे हैं? हम लोगों के मंगल के लिए, अदरवाइज पंजाब में तो हम लोग पड़े रहते हैं, यहां कोई गौड़िया वैष्णव आता ही ना, यहां की लैंग्वेज भी अलग है, भाषा भी अलग है, परिवेश भी अलग है, खान पान भी अलग है। पंजाबी आदमी को तो बंगाली आदमी कहता है, इनको तो खाना भी नहीं आता, कोई बाएं हाथ से खाता है, कोई झूठा सूचक का विचार नहीं करते। इसलिए नाट्य मंदिर बड़े बनाए, इनका बहुत अच्छा पॉइंट ये मैंने डिस्कस किया। तीसरा, प्रभु जी ने बोला हरि कथा कब सुननी चाहिए, तो इन्होंने बताया रोज सुननी चाहिए। क्या प्रारंभिक अवस्था में ही हरि कथा सुननी चाहिए? प्रभु जी ने अपने प्रवचन में ऐसी बात कही कि प्रारंभिक, किन्हीं का कोट करके बोला कि प्रारंभिक अवस्था में जरूरी है हरि नाम, चाहे थोड़ा कम हो जाए, प्रारंभिक अवस्था में हरि कथा जरूरी है। ये इसका अभिप्राय नहीं है, मैं जानता हूं ये है ना, पर कोई गलत समझ ना ले इस बात को, इसलिए ये पॉइंट मैं क्लैरिफाई करने के लिए बोल रहा हूं। ये जानते हैं ये तत्व, इन्होंने बोला कि प्रारंभिक अवस्था में हरि कथा, चाहे हरि नाम थोड़ा चाहे कम हो जाए, पर हरि कथा कम नहीं होनी चाहिए, बहुत ध्यान से साधु की कथा सुननी चाहिए, ये बोला इन्होंने। ये तो प्रारंभिक अवस्था की बात है। उच्च अवस्था वाले भक्तों की बात करते हैं कौन, क्या वो हरि कथा नहीं सुनते, उनका हो गया बस, वो नहीं हरि कथा सुनते? मैंने तो अपना जीवन में बहुत भक्तों को देखा, हमारे गुरुजी नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद परमंश परिवराज का जाजत दंडी स्वामी श्रीमद भक्ति बल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी, अपने शिष्य नरोत्तम प्रभु जी जो कि पूज्यपाद भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी का शिष्य जो सेवक है, उनको क्या बोलते हैं हमारे गुरु जी? कहते हैं आप उनकी सेवा अच्छे से करना। तुम्हें एक बात बताऊं, मैं जब हरि महाराज जी की पूज्यपाद भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी के मुख से हरि कथा सुनता हूं ना, हमारे गुरु जी बोलते हैं, तो मेरा मन करता है उस वो बोलते जाएं बोलते जाएं बोलते जाएं, और मैं सुनता जाऊं सुनता जाऊं सुनता जाऊं, इतना मेरा मन लगता है जब वो बोलते हैं। ये तो वैष्णव का, तो मतलब किस अवस्था में सुनते हैं? जो सखा है वो हर समय कृष्ण कथा सुनते हैं, जो वात्सल्य रस के भक्त हैं वो हर वक्त सुनते हैं, यहां तक कि जो सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट माधुर्य रस के भक्त हैं, जो गोपियां हैं, वो भी सर्व समय हर समय क्या चर्चा करती हैं? घर में जाके दाल कौन सी बनानी है, आज की चाड़ना है, बोलेगा? गोपियां क्या करती हैं जो बोल, उसको माइक लेके बोल। गोपियां सब समय क्या चिंतन करती हैं, क्या चाहती हैं, उनको कैसे संतोष मिलता है? कभी भी
देखो ये गोपियां कहती हैं, गोपियां कहती हैं तव कथामृतम, हे कृष्ण तुम्हारी कथाएं, तव कथामृतम तप्त जीवनम, जो विरह तप्त जीवन जिनका है, जो तुम्हारे विरह में तप्त हैं, उनके लिए क्या है, तव कथामृतम तप्त जीवनम, क्या कवि विरीडितम कलमशाप हम, कवि मतलब कवि मतलब इंटेलिजेंट क्लास ऑफ मेन, श्रेष्ठ लोग, कलमशाप हम, तुम्हारी कथाएं क्या करने वाली हैं, कलमश को दूर करने वाली हैं, सब तरह की कलमश होते ना, कलह क्लेश, कलमश को दूर करने वाली तुम्हारी कथाएं। फिर आगे क्या है, श्रवण मंगलम, इनको श्रवण करने से मंगल देने वाली हैं, श्रीमदाततम श्रीमत देने वाली है, श्रीमती अच्छी मती सुमती कृष्णेर मतिरस्तु ये देने वाली है। और जो लोग ये देते हैं उन्हें गोपियां क्या कहती हैं, भूरी दाजना भूरी दाजना, ये महान लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं जो ये कथाएं बांट रहे हैं, हरि कथा के बारे में ये कहा गया। तो दिस सम्स इट ऑल, आज का जो टॉपिक हमारा हरि कथा की इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस ऑफ हियरिंग हरि कथा, आज का विषय ये यही शेष होता है। हमें यह कथा साधु से सुननी चाहिए, पिछले सप्ताह साधु नित्य लीला प्रविष्ट भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी का आविर्भाव तिथि था, उस आविर्भाव तिथि पे प्रभु जी कुछ कहना चाहते थे, समय के अभाव में प्रभु जी ने कहा नहीं, मैं प्रभु जी से निवेदन करूंगा कुछ पुष्पा भक्ति विज्ञान भारती महाराज जी के बारे में बोलें और अपने जो महाराज जी के लिए वाक्यांजलि है वो दे के आज का कार्यक्रम यहाँ शेष करेंगे, उसके बाद तत्पश्चात कीर्तन करेंगे। हरे कृष्ण। मेरा तो कोई इतना शास्त्र अध्ययन है ही नहीं, सारे हरी नाम के मैं और कुछ नहीं करता, हो ही नहीं पता, टाइम नहीं मिलता, पर तुम मेरे वैष्णव बैठे इनका आदेश है, कुछ बोलिए। मैंने वैष्णव का आदेश पालन करना भी एक भक्ति का अंग है। अभी चर्चा हो रही थी हरी कथा की, हरी नाम जो दिया गुरु जी ने वो श्रद्धा से विश्वास से करते जाइए, हरी कथा में रुचि आपकी ऑटोमेटिकली बन जाएगी। जो गुरु जी ने हरि नाम दिया उसमें इतनी शक्ति है कि भक्ति के अंग अपने आप ही पालन करने को आपके अंदर से प्रेरणा मिलेगी, मुझे कथा सुननी चाहिए। आज का तो जमाना चेंज हो गया, मोबाइल फोन आ गए, इस पर हरि कथा अगर मठ में आओ तो अति उत्तम, अगर नहीं आ सकते तो घर में वैष्णव की कथा सुनते जाओ, बाकी कथा भी आती हैं तो ये मदी सुनी है। हरि कथा के बिना कोई चारा नहीं, कोई चारा नहीं, कोई चारा नहीं। कथा जरूरी क्यों है, हरी कथा, हरी तो एक उनके अनु रूप अनेक, श्री राम जी भी हरी हैं, विष्णु जी भी हरी हैं, नारायण जी भी हरी हैं, कृष्ण जी भी हरी हैं, किस हरी की कथा सुनी है ये आपको पता लगेगा गोड़ी मठ में आके। हमारे आराध्य देव कौन है, नंद नंद श्री कृष्ण, राम रसायन तुम्हारे पास था, पर हमें तो कृष्ण रस की प्राप्ति, जो हमारे गुरुवर्ग ने हमें कहा, क्यों प्रभु जी इस बात का पता हमें गोड़ी मठ में आके मिलेगा, बाकी किसी मंदिरों में नहीं मिलेगा। परीक्षित महाराज का उद्धार हुआ कैसे हुआ, हरी कथा सुनने से हुआ। द्वारकाधीश ने अपनी कथा सुनी द्वारका जी में तो क्या प्रकट हो गए, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ प्रभु की जय। अपनी कथा सुन के ही उन्होंने एक वो स्वरूप कर लिया, किससे, हरी कथा सुनने से। क्यों जी,
अंदर हरी कथा सुन रहे थे ना, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कथा सुन के एक नया स्वरूप तैयार कर दिया, बलभद्र बन गए, सुभद्रा माता बन गए, जगन्नाथ जी बन गए, जो हमारे आराध्य देव हैं। इसलिए कथा जितना ही हो सके सुनने की कोशिश करनी चाहिए। बाकी प्रोप भारतीय महाराज का इतना मैंने संग तो नहीं किया, फिर भी कभी कभी, क्योंकि मेरी नेचर अब जॉब यही थी कि हमारी पोस्टिंग होती है हर 3 साल के बाद, कभी J&K, कभी बंगाल, कभी हिमाचल में, कभी पंजाब में। तो जब कभी आते थे चंडीगढ़ में तो तब उनको कथा सुनने का मौका मिलता था। मैंने गुरुदेव का आश्रय लिया अपने भक्ति होती महाराज का जम्मू में, उस समय मेरी पोस्टिंग जम्मू में थी 87 में, तो वहाँ से मैंने उनका नाम आश्रय लिया। उसके बाद फिर कभी कभी वहाँ 3 साल रहा, तो वहाँ काफ़ी वैष्णव आते थे, पर वहाँ मैंने भारती महाराज के दर्शन नहीं किए। वहाँ संत महाराज आते थे, गिरी महाराज आते थे, और दामोदर महाराज आते थे, बाकी सारे राम प्रभु आते थे, श्रीकांत प्रभु आते, बाकी सारे आते थे, परंतु वहाँ 3 साल मैंने भारती महाराज का दर्शन नहीं किया। तो भारती महाराज की एक शख्सियत ही ऐसी थी कि उनको देखने से ना कुछ ऐसा महसूस होता था कि ये कोई महानुभाव है। बाहर से शरीर लंबा चौड़ा गोरा, देखने से आपकी प्रीति हो जाती थी भारती महाराज के साथ, और कथा सुनने से तो अति उत्तम। कथा इतने प्यार से और भाव से करते थे कि नास्तिक बंदा भी आस्तिक बन जाए। एक बार कार्तिक और शब्दों पर बहुत ध्यान देते थे भारती महाराज। एक बार वो माता जी आए नहीं, आज विद्या माता जी नहीं आए, उनके घर में कार्तिक मास था, तो वहाँ गए, तो जो दूसरी सभा वहाँ उनके घर के पास होनी थी, और एक हमारे बहुत बड़े सन्यासी महात्मा, उन्होंने वो कीर्तन किया दामोदर अष्टम, उसके 2 लाइनें हैं ना बाद में, श्री राधिकाए त्वदीय प्राय नमो अनंत लीलाय देवाय तुभ्यम, हो गया कीर्तन। उसके बाद फौरन ही क्या दिया, कहता ये लफज नंत बोल रहे हो, ये नंत नहीं है, अनंत है, थोड़ा ध्यान से बोलो। वो जरा थोड़ा फील किया उन्होंने, महात्मा ने कहते नमो राधिकाए अनंत, जल्दी जल्दी बोलते हैं ना, तो अनंत के बजाय वो नंत निकल रहा था, उन्होंने साथ ही कैच कर लिया। कहते जो भजन गीति में जो भजन के शब्द हैं, चाहे धीरे बोलो पर शुद्धता से बोलो, उसको ऐसा ही उच्चारण करो। एक और भजन उन्होंने टोका, एक ब्रह्मचारी को हुआ था ना देव भवंतु, हाँ वो साथ में कृष्ण कहता अपनी लय को पूरा करने के लिए आप कृष्ण का जो है आप प्रयोग करते हो। कहते रूप गोस्वामी ने कहीं कृष्ण लफज में बैठ के किया, अगर नहीं करोगे तो क्या भजन नहीं कर पाओगे आप। फिर आता वो भजन तुलसी दे विष्णु भक्ति प्रदेश होते, वो कई कहता है कि कई को मठ में था, वो पहले बोलता था विष्णु भक्ति प्रदेश देवी, फिर कृष्ण भक्ति, फिर राधा कृष्ण भक्ति। कहता सिर्फ विष्णु भक्ति कहने से बात नहीं बनती क्या, कहता हमारे श्लोक में है कोई ऐसा लिखा है वहाँ विष्णु भक्ति है, विष्णु भक्ति ही शब्द उच्चारण करना चाहिए। मेरे गुरुदेव उनसे बहुत प्यार करते थे, उन्होंने कहा था, एक मैंने लेख पढ़ा था मैंने गुरुदेव का, वो कहते भी इनमें पूरी सामर्थ है, शास्त्र ज्ञान है, कुछ कोटि के ब्राह्मण है, इनको गुरु दीक्षा करने का पूरे जो क्वालिटी होनी चाहिए इनमें है, कि गुरु वर्ग के साथ पूरी क्वालिटी इनमें है, परंतु हमारा जो है हमारे मठ का जो संविधान है उसकी परमिशन नहीं देता, परंतु ये फुली कॉम्पिटेंट है। हमारे गुरुदेव भी उनकी बहुत श्रद्धा विश्वास करते थे, और हर व्यक्ति को थोड़ा मेरे से आता था प्यार करते थे। एक बार मैं गया सुबह प्रणाम करने के लिए, तो मुझे उनके सेवक ने लड्डू का प्रसाद दिया, उन्होंने मना कर दिया, कहते नहीं इसको लड्डू नहीं देना। वो कहते मरे क्यों, कहते कुछ हुगर है, इसको सेब का फल दो, उन्होंने इतना ध्यान रखते थे। वो बातें तो बड़ी हैं, मैंने कागज़ पर नोट कर रखी थी, मैं कागज़ पर लेके नहीं आया। इन्हीं शब्दों से मैं भारतीय वर्ग चरणों में दंड प्रणाम करता हूँ, मुझसे कुछ जाने जाने अपराध हो गया हो तो मैं क्षमा याचना की आशा करता हूँ। मेरी और प्रार्थना है कि इस सभा में, इतवार की सभा में मैक्सिमम आने की कोशिश करो, आपकी गुणवत्ता बनेगी, बढ़ेगी आपकी, कि मठ से क्यों जुड़ना चाहिए। अगर मठ से जुड़े हो ना तो आपका मंगल ही मंगल है, यहाँ आके कोई ना सेवा तो करोगे, और कोई सेवा नहीं, प्रसाद सेवन की सेवा तो कर सकते हो,
उससे मंगल हो जाएगा आपका। हमारा जीवन किस लिए मिला? पहले संकल्प करो कि मैंने भक्ति करनी है, फिर आपका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है हमें कृष्ण रस की प्राप्ति को। हमारे राधे रेव नाम से श्री कृष्ण हमारे सभी पूज्य हैं, राम जी पूज्य हैं, नारायण जी पूज्य हैं, विष्णु जी पूज्य हैं, सारे उनके भी अंश हैं, परंतु हमारे जो गुरु वर्ग ने क्या कहा, नामधंद श्री कृष्ण का भजन करने से ही हमारी गति होगी। इससे मैं अपराध लेता हूँ वांछ मनवा। क्विज वाले हैं सब लोग, अब अपने में से ही बनाओ। निताई प्रभु हमारे अब अगला कार्यक्रम क्विज का वो करेंगे। जो आज कथा हुई उसी कथा में से प्रभु जी को प्रश्न पूछेंगे। जो आता है वो हाथ खड़ा करेंगे, बीच में कोई नहीं बोलेगा। उसके बाद कीर्तन करेंगे और आरती दर्शन करेंगे। बस जल्दी जल्दी कर लीजिए। आज का पहला प्रश्न है कि मठ का सबसे बड़ा कमरा कौन सा है? हाँ जी, ओ बताएंगे वो प्रभु जी नए आए उनका पता ही होगा कि सबसे बड़ा कमरा कौन सा बना है। हाथ खड़े करके प्रभु जी माइक दो। सर यही वाला जिसमें बैठे। बिल्कुल सही जवाब, नाट्य मंदिर। बिल्कुल सही, नाट्य मंदिर होता है इसको कहते हैं, नाट्य मंदिर। नाट्य मंदिर जहाँ पे कथा कीर्तन भक्त लोग बैठ के करते हैं। अगला प्रश्न, हरि कथा हफ्ते में कितने दिन सुनी चाहिए? देखा दो दिन सुनने से हो जाएगा, मंडे को सुनने के सैटरडे को सुनने के। आप ही बताओ वो सुनने से विकास प्रभु जी ने बताया कि रूप गोस्वामी जी ने हरि कथा सुनी, तो रूप गोस्वामी जी ने प्रयागराज में महाप्रभु से कितने दिन हरि कथा सुनी? कितने दिन सुने? उद्धव दास दस दिन। सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। तालियां जोर से देखिए, तालियां तो जोर से होनी चाहिए, एक दूसरे को साथ बढ़ाएं। ऐसा नहीं होता एक क्लास में होता है बच्चा भी होता है आज से देता सब लोग इसका हौसला अफजाई करते हैं, तो एक दूसरे के लिए बजे। मैं नहीं जानता कभी भी। जब रूप गोस्वामी जी वृंदावन आए तो प्रभु जी, उन्होंने कई ग्रंथ लिखे पर प्रभु जी ने मुख्य रूप से दो ग्रंथों के नाम बोले, उनके नाम सही जवाब रंजना रस्तोगी शीला किशोर, ये भी सही जवाब दे रहे हैं। ऑनलाइन भक्त हैं, इन्होंने भी सही जवाब दिए पिछला क्वेश्चन। 10 दिन बाद भगवान की कथा कैसे श्रवण करनी चाहिए? ओ माता जी फ्रॉम जोधपुर। श्रद्धा और दूसरी कंडीशन मैंने क्या बताई थी यहाँ पर, जो हमने श्लोक यहाँ पर सुना था, श्रीणवत शब्द नित्यम
श्रद्धा से और नित्य सुननी चाहिए, ठीक है। अच्छा, उससे क्या होगा जब हम श्रद्धा से सुनेंगे, नित्य सुनेंगे, दृढ़ता के साथ सुनेंगे, क्या होगा उससे? वो माता जी का कोमल डिंगरा, शीला किशोर, सुदर्शन दास जी का सही जवाब ऑनलाइन। साधु संग करने से, साधु से कथा सुनने से, जो मैंने किया सदाम प्रसंगान बीज समृद्ध, वहाँ पर प्रभु जी ने बताया बीज समृद्ध, बीजपति कथा साधु से सुननी है। वीर्यपति का क्या अर्थ बताया प्रभु जी ने? साधु की बीजपति कथा का मतलब क्या? साधु का डैश साधु का आचरण, बिल्कुल सही जवाब। तो क्या वीर्यपति कथा यानी साधु का दिव्य, साधु का आचरण, यहाँ शक्ति युक्त है। तो जब हम सुनेंगे वीर्यपति कथा तो उससे क्या होगा, क्रम क्रम से क्या क्या लाभ होगा? तीन चीजें सीक्वेंस में बताना है तुमको। राधिका देवी दासी की जय। अच्छा, इसी श्लोक में कथा की तुलना किससे की गई है? ऑप्शन ए औषधि, ऑप्शन बी रसायन। रमेश फटाफट इसको एक्सप्लेन करो, गुरु क्यों रसायन है? रसायन, ठीक है, क्यों रसायन क्यों बोला? रसायन औषधि में प्रभु जी ने एक डिफरेंस बताया, कथा में सुना है कथा में से बोल रहे आप बताओ। क्योंकि जैसे हम जब दवाई लेते हैं तो एंटीबायोटिक्स ली हमने तो वो क्योर हो जाती है, बट अगर हमें विटामिन वगैरह चाहिए तो हमें अलग से टैबलेट्स लेनी पड़ती है, बट जब हम कथा सुनते हैं तो वो दोनों काम करते हैं। मतलब कि जब हम कथा लेते सुनते हैं तो ना हमें एंटीबायोटिक की जरूरत पड़ती है और ना हमें वाइटामिन की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमें कथा सुननी चाहिए। तो जब भी बुखार तेज हो मठ मंदिर का रास्ता दे लेना चाहिए, या कोविड हो जाए, हरी कथा से हमें ना एंटीबायोटिक चाहिए और ना वाइटामिन चाहिए, यह मतलब है इसका। श्यावर तू जानती है, तू ठीक बोल, शब्द नहीं तेरे सही बोल रही, इसलिए तू जानती तो है, समझ आ गई है मुझे, मालूम है आप जानती हो कि जैसे हम संसार की चीजों में उलझ जाते हैं तो हमें ना, जैसे हमें कोई बीमारी होती है, बीमारी के लिए हम औषधि लेते हैं, बुखार हो जाता है, बीमार हो जाते हैं, तो हम बुखार के लिए एंटीबायोटिक लेते हैं, एंटीबायोटिक क्या करता है, हमें बुखार ठीक कर देता है जब हम बीमार होते हैं ना, और बीमार तो ठीक हो गया पर कमजोरी और आ गई, एंटीबायोटिक लेने से आ जाती है कमजोरी, उसके लिए विटामिन और लेने पड़ते हैं। परंतु हरि कथा सुनने के लिए, सुनने के समय हरि कथा को औषध नहीं बोला, रसायन बोला। रसायन क्यों बोला? क्योंकि वो औषधि का भी काम करती है और हृदय की कोई कमजोरी है, कोई हृदय की दुर्बलता है, कमजोरी है, उसको भी दूर करती है, इसलिए उसे औषधि ना बोलकर रसायन। ठीक है, ये मेरी बात नहीं है, ये हमारे परंपरा से जो कथा चलती है उसी की बात बताई मैंने।
मेरे शब्द नहीं, हनुमान जी भी कहते हैं राम रसायन तो मेरे पास है, सदा रहो रघुपति का। देखो भगवान के सबसे वो कथा करने सेवा करो। अच्छा प्रभुपाद जी के शिष्य श्री भक्ति विद्यवान को स्वामी महाराज जी के बारे में गुरु जी ने बताया कथा में, तो उन्होंने जब फर्स्ट टाइम प्रभुपाद जी से मिले और उनके उनसे कथा सुनी तो उन्होंने एक आर्टिकल लिखा, उस आर्टिकल का क्या नाम दिया? सिंगल हैंड बोलो बेटा, शिवानी देवी दास आत्मीय के, के मतलब के फॉर कश्मीर, आत्मीय कौन शिवानी कौन, वेरी गुड बिल्कुल सही जवाब। ऑनलाइन भक्त थोड़ा पीछे रह रहे हैं, ना कोई जवाब दे रहे हैं ना बोल रहे हैं, हाँ बीना माता ने सही जवाब दिया आत्मीय के, ठीक है। दीपक कक्कड़ भी सही जवाब, दीपक कक्कड़ का भी सही जवाब आत्मीय के। बस लास्ट क्वेश्चन है, भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका में अपनी कथा सुनी, अपनी कथा सुनने से क्या रिजल्ट आया? शाबाश, ठीक है आप बोलो, नहीं मम्मी मम्मी बेटर स्टूडेंट बन गई है क्लास में। अरे आप अपनी जब अपनी कथा सुनी तो अपना ही कथा सुनते हो जगन्नाथ जी का ही रूप प्रकट हो, ठीक है। महामंत्र की संकीर्तन करेंगे तत्पश्चात आरती दर्शन करेंगे, हरे चल जल्दी बोलो, हरे कृष्णा Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare
इनकी दस करो हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम Thank you.
Thank you.
जय नित्य आप विष्णु पाद पद्म चर्चा 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 जय न
Thank you.